दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है, सॉल्यूशन की इसका आपने ग्रुप में क्या कर दिया, शेयर कर दिया आपके पास लास्ट। जब आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोला जाए तो पेपर में बनाना कैसे है, पहली चीज जीपी, दूसरा कौन सा प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा कौन सा है एनपी। निकालने का इसका वे क्या बताया था, आप चाहे फॉर्मूला लिख सकते हैं अपनी शीट पे, कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए एक बार, एक रिटर्न प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ऊपर हेडिंग दीजिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, के नीचे वही फॉर द इनकम स्टेटमेंट, हमेशा फॉर द ईयर एंडेड है, ये लाइन ड्रॉ करी मेन मेन। मैं ज्यादा कॉलम नहीं बनाऊंगा, लास्ट के कॉलम्स आपको पता ही है दोनों क्या है, एब्सोल्यूट चेंज और किस बात के हैं परसेंटेज, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं चेंज इन वैल्यू परसेंटेज ऑफ किसकी चेंज। यहाँ पे आपका कॉलम चल रहा है कौन कौन सा था, यहाँ पे अपना करंट ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन में 12, और कौन सा 13, यहाँ पे एक छोटा सा चलता है नोट नंबर बुक में जब बनाया इन्होंने, देख लो थोड़ा फर्क हो सकता है शायद में भी बनाया नहीं। हाँ देखो एसक्यूएल में बनता है ना, फिर तो उन्होंने नोट नंबर यहाँ से बनाया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड थोड़ा फास्ट फास्ट लिखिएगा, ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं अपना नेट, तो यार रहे इसका वर्किंग नोट, पर अब आप नीचे दिखा सकते हैं जाके नेट सेल्स कैसे आया, ठीक हो गया, कोई नंबर भी डिनोट करने की जरूरत नहीं, नंबर वन वर्किंग नोट, नंबर टू लास्ट में जाइए क्वेश्चन जब कर लेंगे। अभी के लिए कैलकुलेटर से आप फटाफट लिख सकते हैं, जैसे आपका कितना था बोलना मुझे यहाँ पे 60 लाख, आप फटाफट लिख लीजिए, जरूरी हो जाएगा करना क्वेश्चन, एक बार कर लो, पेपर में कई बार आ चुका। और उधर का कितना है 78 लाख, यही था माइनस कॉग्स, फिर कहूंगा कि गलत फहमी का शिकार हो जाए, अदर इनकम याद आ जाए, अदर इनकम नहीं है तो क्या आएगा कॉग्स, कॉग्स का फॉर्मूला आपको पता है ओपनिंग स्टॉक, इसको भी आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर टू, कॉग्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो कर लीजिए 15 लाख प्लस 42 18 माइनस 18 माइनस 21 कितना आया 36 लाख, कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है 36 लाख। इधर का करिए कितना रहा, इधर का 21 58 58, हाँ जी 55 55 लाख। तो आगे बोलिए 60 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 लाख, तो इधर 78 माइनस 55 करेंगे 23 23, बाद में चेंज करते रहना। तो ये आपका दृष्टि क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है अच्छा हो गया, टाइम पे पता चल गया आपको पेपर में, तो वहां आता हम गड़बड़ कर देते फिर फायदा नहीं था, और 15 मार्कर है बड़ी बड़ी वेटेज है तो ध्यान देते हुए, अभी पेपर में ध्यान रखना, अगर इनकम स्टेटमेंट आया तो दिस बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं, यहीं पे है। और जो नई वराइटीज आपको बताई थी ना, और रीअरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट आइटम, वो भी देख जाना, इनका पता नहीं चलता कभी दिमाग घूम जाए कि वही पूछ लें, तो हमें वो होता नहीं नेट एसेट्स फिर करंट एसेट्स दिखा के फिर शेयर होल्डर फंड माइनस एनसीएल करके फिर शेयर होल्डर फंड, वो चीज ट्रेंड एनालिसिस आप देख ही चुके, क्या बेस है ईयर को मानते, टाइम टाइम आपको सर, बेस रेशियो ईयर, सम रेशियो टाइम आपको चैप्टर एक मिनट जी, सम टाइम आपको बेस ईयर बताएगा नहीं, तो पहले वाला जो होगा उसी को बेस ईयर मान। हाँ जी बोलिए मुस्कान, सर रेशियो चैप्टर में तुम जनरल एक्सपेंसेस को लेते नहीं ऑपरेटिंग में? मैं तभी कह रहा हूँ जी यहीं पे लेना पड़ रहा है, वो आपके सोल्यूशन की अकॉर्डिंग है, वरना कोई दिक्कत नहीं, वन इसको आप ओके असम्पशन लिखाना लास्ट में जाके, इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कोई गलत नहीं करेगा, ये पॉइंट है। इसके बाद इसमें क्या माइनस करेंगे आप लोग जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे चेक करना आंसर की में वर्किंग नोट शो कर रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के, या सीधा टोटल लिख रहे हैं चेक नहीं, करो, शो कर रहा है ठीक है, तो लिखिएगा ऑफिस एक्सपेंस, अगला क्या लिखा हुआ है सेलिंग एक्सपेंस, यहाँ स्टार मार्क कर लीजिए जनरल एक्सपेंस, जनरल मान लेंगे ऑफिस के होंगे सैलरी के होंगे किसी के होंगे, तो कितने कितने दिए हुए हैं इसमें प्लस माइनस कुछ करना नहीं है, तो ऑफिस है 2.5 3 1, ऑफिस है 2.5 लाख 3 लाख 1 लाख, इधर गए अपा इधर है 3 15 ना 3 15 285 3 15 285, और ये क्या था 80, 3 15 285 और 80, इसके टोटल करा लग से ऑपरेटिंग एक्सपेंस का चेक करना, करा हुआ है सिंगल लाइन,
तो ये 6.5, ये कह रहे हो आप 6.80 सिंगल लाइन टोटल करा होगा। तो इसके बाद ऑपरेटिंग इनकम तो है नहीं आपके पास कोई, तो यही आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन्होंने ना पहले शो करा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस। हाँ जीपी वही कंटिन्यू कर लिया करो ऊपर वाला, आप इसको नाम दे सकते हैं। मैं तो कह रहा था इसको आप नाम देके चलो, मान लीजिए इसको आप ए नाम देते हैं, इसको बी दे दो, इसको क्या नाम क्या दे देंगे आप लोग, सी। इसी कैसे आप ब्रैकेट में दिखा देना ए माइनस बी करके। हाँ यहाँ पे दिखा देते हैं ए माइनस बी करके, हमारे पास क्या आया सी आया, डन हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एक ही नाम दे दे सबको, कौन सा दे देगा डी। तो यहाँ जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं आप लोग सी माइनस डी, बन जाएगी बात। मतलब आपको स्पेशली आने की जरूरत नहीं पड़ी कुछ, वरना बुक से एक बार देख लोगे मुझे लगता नहीं गड़बड़ होगी, एक बार देख लीजिए। तो आपका 24 लाख माइनस 6.5 करेंगे 17.5, तभी आपको आंसर की शेयर कराया कि वो देख लो, कोई चक्कर नहीं है। 23 माइनस 6 15-20 आ गए माइनस करके, नहीं 23 माइनस 6 16-20 आ गया, 16-20। इसके बाद क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में एक तो इनकम फ्रॉम है इन्वेस्टमेंट, एक प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 1.20, पहले साल तो प्रॉफिट है ही नहीं, 1.20 इधर पहले है नहीं, और ये प्रॉफिट कितना है 50। क्या इसका भी टोटल कर रहा है, चेक करो आंसर की में कर रहा है टोटल, मतलब इसी 17.50 में किया है या किसने किया है 1.20 का, तो इसका ही टोटल अलग से फिर कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग का भी। इसके बाद रीति क्या क्या हुआ देखना, सीधा माइनस, इसके नीचे लाइन भी ड्रॉ की हुई है, नहीं, इसके नीचे लाइन ड्रॉ करी हुई है, हाँ तो भी है ना वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हमने किसका नाम दिया था, एक ही होगा फिर तो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 20,000 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए 20,000, यहां तो नील था, तो इसका भी टोटल किया होगा, वही बात है बस। अब इसको नाम दे दीजिए, आप नाम दे रही थी ऊपर तक हमारा क्या आया था वो, नहीं ई आया था ना वो, ई आया था, मतलब ई इक्वल्स टू क्या था सी माइनस डी। ई के बाद आप एफ किसको देंगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को एफ, और जी किसको देंगी, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे को, एफ जी हो गया। नेक्स्ट लिख सकती है एच इज इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस एफ माइनस सॉरी ई प्लस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे ना जीपी में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ई में एफ ऐड करेंगे और माइनस जी करेंगे, करके बताइए। 17.5 में 1 लाख ही जोड़ दो बस, हाँ 18.5। और ये आपका आया क्या, मैंने यहाँ लिख तो दिया इतना बड़ा करके, ये एक्चुअली आया नेट प्रॉफिट, इसको आपको नाम देना चाहिए था एच, जो ये आया पूरा टर्म इधर से 1670, ठीक है जी, खर्चा है ही नहीं कोई, 16,70,000 यही कुछ है, चेक करो। टैक्स भी था माइनस टैक्स एक्सपेंस 40% 18.5 का 7,40,000, इधर 668 माइनस करके क्या आ गया पैट प्रॉफिट ऑफ टैक्स, यहाँ पे कितना आ गया 11,10, और उसके बाद 10,20,000 10,02,000, 10,02,000, 10,02,000, बोलो डन है यहां तक। इसके बाद कंपैरेटिव में एक बार बुक से आप देख लीजिए, मुझे लगता नहीं खास कुछ होगा, सीधा कंपैरिजन ही है हर चीज का, टोटल का ग्रेटिंग, ठीक है। और जो बीच में हमने एबीसीडी का चक्कर डाला आप कर सकते हैं, वरना इनके अकॉर्डिंग चलना, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, जीपी दोबारा लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोबारा लिख दो, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस इसके अंदर जैसे कौन सा इजाद करो हाँ सेल्स को लेते हो 100% ऑफ सेल्स पे 100 सेल्स मान लेते, बस ऐसी सेम स्टेटमेंट तैयार कर देना, सेल्स वाले को 100 लिख देना, सारी परसेंटेज टोटल टोटल सब परसेंटेज किसकी करना, सेल्स की करना, वैसे सर मैंने देखा कौन सा तभी इसकी इनकम स्टेटमेंट है मैंने कहा। ना। हाँ इसी में भी हमने आज पढ़ा के सामने कि अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कुछ तो खास होगा यार,
वो आपने आंसर जब दिखाया नाइन्थ नंबर, वहां कोई वैसे ही कर रहा है ऑपरेटिंग जीपी वाला करके, तो पेपर में यहाँ रखना। अगर पढ़ लेना, पढ़ते नहीं हम तो, हम कंपैरेटिव देखते हैं और इन्फॉर्मेशन देखते हैं सेल वाली, तो एसपीएल है, एसपीएल हो सकता है वो चार लाइन वाला, रेवेन्यू अदर इनकम कॉस्ट। पर ऐसा अगर पीएनएल का डेटा आ गया तो आप इनकम स्टेटमेंट ही तैयार करेंगे वहां पे। अब जैसे इसमें 60 लाख से 78 कितना चेंज है, 18 लाख, 18 लाख 60 का कितना हो गया 30%, ऐसे बस अब शुरू हो जाना है। 36 से 55 कितना हुआ मान लीजिए, 36 से 55 चौदह 19, अब 19,36 का थोड़ा अजीब हो जाएगा, जैसे 19 डिवाइड बाय कितना है हमारा 36 × 100 52.78। वहां तो कैलकुलेटर लाउड है, हमें क्या दिक्कत, ठीक हो गया। नीचे जब यहां जाएंगे यहां पे भी आएगा 24 से कितना है हमारा सर 23, बल्कि ये तो 1 लाख क्या आ गया डाउन आ गया, तो 1 / 24 करोगे इंटू 100 तो 4.17 कंपैरेटिव है ना, हाँ नेगेटिव कंपैरेटिव है, ऊपर वाला से कोई लिंक नहीं कि सर वो तो 30 चल रहा है नीचे 52 आ गया, वो कॉमन साइज में होता है, वहां आपकी रेशियो काम आती है, अगर ऊपर 100 है नीचे 60 तो आंसर 40 आएगा, यहाँ कोई मैच नहीं करेगा किसी से, यहाँ कोई मैच नहीं करेगा। 2.5 लाख जैसे 2.5 लाख से 3 15 आप देखेंगे कितना हुआ 65, 65 divided by 65,000 डिवाइड बाई 2.5 लाख इंटू 100 तो इट्स 26%, ऐसे। अगला 3 से 285 उल्टा 15,000 पे क्या हो गया डाउन, और 15,000 पे इंटू 100 डिवाइड बाई 3 लाख 5% ब्रैकेट में, परसेंट ना बार बार लगाइएगा, ऊपर ऊपर कॉलम में आ गया एक बार परसेंटेज। अगला जाएंगे 1 लाख से 80 कितना डाउन गया 20, 1 लाख का 20 यहाँ कॉलम पे आई, 6.5 से 6.80 कितना हुआ 30, 30,000 डिवाइड बाय कितना है 6.5 × 100 4.62 मान लो, ऐसे। तो ये याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन हो, बीकॉम वालों के पास वही होते हैं, पर पॉइंट इज दैट कि हम क्यों ध्यान नहीं दे पाते फ्लो फ्लो में, आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक करके जाते हैं, कई बार सेट बैठ जाता है कि हाँ जी इनकम देख के गए, आज आपने देख लिया पेपर का, दिक्कत नहीं आएगी। वो थोड़ा सा किंतु परंतु आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जरूरी की कॉपी पेस्ट ही चेपना है, वर्किंग नोट में दिखा दो, नॉन ऑपरेटिंग आंसर इज द मैटर, यहाँ जी ये मैच कर रहे हैं लास्ट में जाके ये करना 11 10 10 तो ठीक है ओके, बीच में आपकी रेशियोज मैटर कर रही है ठीक है। कुछ कमेंट्स जो सेक्शन पढ़ के जाएंगे आप लोग, क्या है शायद इस पीडीएफ में भी आपने मुझे भेजे थे, एक बार देखना, नहीं इसमें ना वर्किंग नोट है पढ़ो, वर्किंग नोट दिया हुआ है नेट सेल्स का, वर्किंग नोट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, और किसी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक कर लो। और आप एक आंसर की और मांग रहे थे मुझसे शायद, मतलब कल परसों इसी का ही था शायद, एक दूसरे का मांग रहे थे अपन, कुछ मैंने लिखवाया था आपको दूसरे या तीसरे का, इसका कहा था मैंने, नहीं यही था। अब देखो ये है ही ऐसा क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेंड एनालिसिस का है, कंपैरेटिव दिया हुआ है और ये इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ है 2 साल का, तो जहां आपका एसपीएल बन जाए वहां पे, वरना तो ये चला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खुद काम देखो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं पे वर्ड आया ही नहीं आपके पास, ये चीज है। एक मिनट रेगुलर देखता हूँ, तो नेक्स्ट देखिए 6 चल रहा है बैलेंस शीट, तो अब पूछो डाउट क्यों कंपैरेटिव कौन साइज में भी है बताइए। जो मुस्कान आपका डाउट था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया जनरल एक्सपेंस को, वो अजम्पशन है रजे, नहीं लोगे तब भी काम चल जाएगा, बोलिए डन है। नेक्स्ट ओपन कर लीजिए कैश फ्लो पेज नंबर 6.63, जो जल्दी प्लीज 6.63 पे इलस्ट्रेशन 35, आज का मेन टॉपिक हमारा कैश फ्लो है, फटाफट स्टार्ट करिए, क्वेश्चन को रीड करिए अपने एंड पे, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो कहूंगा इसको आप बना के ही देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा रिटर्न प्रैक्टिस आएगी दिमाग पे, क्या चीज था कैसे बनाया था, और विद फॉर्मेट ट्राई करिए जल्दी अपना अपना सर। 35 नंबर पे मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा ये रास्ते पे, 35 नंबर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिया हुआ है सेम ही सर, नो चेंज। रिजर्व एंड सरप्लस में एसपीएल दिया हुआ है आपके सामने, नॉन करंट में डिवेंचर्स हैं, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग, लैंड बिल्डिंग, यहाँ पे क्या दिया हुआ थोड़ा अजीब है, देखो देखो देखो, मशीनरी। और याद रखिएगा ये वैल्यू कौन सी है, मैंने आपको पहले बताया था ग्रॉस अकाउंट जब भी बनेगा किस पे बनेगा, ग्रॉस पे, और ये बैलेंस डेप्रिसिएशन के क्या दिए हुए हैं जल्दी बोलो, बैलेंसेस। डन हो गया। इन्वेंटरी टीआर प्रीपेड टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट को भी हम किसका पार्ट मान लेते हैं, कैश, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म, अपना अपना करंट इन्वेस्टमेंट इसी के नाम है, मार्केटेबल सिक्योरिटी इसी के नाम है कि पेपर में कंफ्यूज हो जाओ। कैश 10% डिविडेंड देना है कैश में, मैं नहीं मानता को दिक्कत है,
ऊपर 1,15,000 कैपिटल पड़ी है, 10% कितना हुआ जल्दी बोलो, 11,500। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है वहां पे 11,500 ही था एक क्वेश्चन में, खुद बोला था कि 11,500 डिविडेंड दीजिए। नंबर टू, न्यू मशीनरी 15,000 की परचेज करी, ओल्ड 6,000 वाली सोल्ड कर दी कितने में, 2, जिसपे कितने डेप्शन लगा चुके, 3, 6 वाली के ऊपर 3 आप डेप्शन लगा चुके, तो बची कितने की जल्दी बोलो, 3 की, 3 वाली कितने की बेची, 2 की, लॉस कितने का हुआ मालिक, 1,000 रुपए का, डन। 10,000 डिवेंचर रिडीम बाय परचेज, ओपन मार्केट बोल रहा था मैं यहाँ पे, बड़ो सुन शायद आपको याद हो, क्योंकि ओपन मार्केट में, मार्केट में कितने के, 96 के रिडीम करे, आपको ये समझ लो मोटा मोटी 100 रुपए की चीज थी, 4% का क्या हो गया फायदा, 10,000 के पीछे 4% कितने का फायदा हो गया, 400। आपने डिवेंचर होल्डर्स को फाइनेंसिंग में कितनी पेमेंट करनी है, 9,600, 400 का फायदा हुआ, आपने ऑपरेटिंग में क्या किया होगा, एड, आज क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो याद रखिएगा नेट इफेक्ट वही 10,000 ही हो गया, ठीक है। 18,000 की इन्वेस्टमेंट बेच डाली एट बुक वैल्यू, ऊपर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैठी कहाँ पे है चेक करो, ये रही, अब मुझे इन्वेस्टमेंट्स को कैश नहीं ले सकता मैं अब, ठीक है। यहाँ पे डाउट आया था पहले भी मुझे, शायद पहले भी इसको शायद कैश लिया था, क्या लिया दिखाऊं, आंसर में इन्होंने क्या लिया हुआ है, देखो वही बात आ गई ना, लिया नहीं हुआ, डाउट था, हमने नीचे पॉइंट पढ़ लिया था तब भी हमें मुझे याद आ रहा है ना पॉइंट, हमने पढ़ा 18,000 की इन्वेस्टमेंट बेची बुक वैल्यू पे, हम ले गए अकाउंट टाइप, पर ये इन्वेस्टमेंट कौन सी थी, मैंने बैग जाके देखी कौन सी, टेम्परेरी हो, टेम्परेरी आपने किसका बोला था, कैश का पार्ट, मतलब इस लाइन का मेरे लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, नॉर्मली जस्ट लाइक एज अ कैश बैलेंस। तो मैं वापस गया कैश बैलेंस द्वारा देखूं, 55 और 45, ईयर दिखा दो यार, कि तो मैं ईयर उल्टे पड़े जाऊँ, नहीं ठीक है, 55 और 45 कितने हो गए जल्दी बोलो, 1,00,000। 37 और 45 कितने हो गए बोल सकते हो, 37 और 45 70, 82, बात तो वही आ गई 18, ये चीज है, तो अब 18 का कुछ नहीं करेंगे ड्यू टू दैट पॉइंट, अदरवाइज हो जाता भाई, तो बच्चा कहता सर अगर मैं गलती से कर रहा हूँ तो वही बात होती है, एंटायरली जजमेंट, वरना टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल, सब कैश का पार्ट है, कोई भी यहाँ पे नहीं आता, डन हो गया। यहाँ पे डाउट पूछिए, आपका आंसर मैच किया नहीं कर रहा, तो एग्जैक्ट अकाउंट बनाने में कोई डाउट आया बताओ, मेन तो अकाउंट चीज है यार, ये रहे देखो वर्किंग नोट्स, मशीनरी अकाउंट, नीचे क्या बना, डेप्रिसिएशन, डन। डेप्रिसिएशन का बीडीसीडी आपको दिया था 20 और कितना 22, डेप्रिसिएशन का 3, नया फिगर आ गया कितना 5, आपको वैसे ही पता था 5, तो कैसे 20 से 22 कितना चेंज हुआ, 2, 3 बिकने वाले पे 5, आंसर आना ही था, इधर बीडी 26 यहाँ 35, ये तो 2, 3, 1 याद आ गया, 2 की सेल बाय बैंक भी बोल सकते हैं, जरूरत नहीं बाय कैश बोलिए, बाय बैंक जैसे आपको अच्छा लगे, बाय डेप्रिसिएशन 3, बाय SPL बोलते हैं हम लोग, तो PNL बोल दो, 1,000 रुपए यहाँ पे परचेज, वैसे आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी ना दी होती फिर भी 15 ही आता, टोटल लगा के डेबिट साइड पे टू बैंक परचेज, डन। 36 नंबर क्वेश्चन पे आइए, आराम से बैलेंस शीट पढ़ो जल्दी, अब आपको थोड़ा दिमाग आऊंगा, बैलेंस शीट पढ़िए जल्दी, बस जल्दी, शेयर कैपिटल 1,00,000 से कितना, 31, ये थोड़ा गड़बड़ लगती है मुझे कई बार, नहीं नोट्स नहीं ना था, चलो फायदा भी है कई बार, फिर नीचे जाके लग से पढ़ो, जो यहाँ दिया है बस यही है, तो मेरा माइंड था शायद ये तो नहीं शेयर कैपिटल के अंदर दो हो, प्रेफरेंस और इक्विटी, पर नहीं है तो अच्छी बात है, 1,00,000 से 31 कितना हो गया, 30 चेंज, रिजर्व सरप्लस में आप बात बन गई भाई, प्रॉफिट बोल 15,200 से 15,400 कितना स्टार्ट करेंगे, 200 से, 25 से 30, 5,000, मतलब मेरी वर्ड आपको याद है कि मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सुनो मैं ही कहता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट बनाओ, आपकी बुक तो बनाती भी नहीं, वो लोग कहते हैं क्वेश्चन के अंदर शुरू हो जाओ, क्या चीज है, ऑपरेटिंग कैलकुलेशन फ्रॉम बिलो हेडिंग, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सरप्लस 200 रुपए, जर्नल रिजर्व कितने थे 5,000 रुपए, हाँ यहाँ पे अगला वर्ड क्या आता था याद है, प्रपोज्ड डिविडेंड, अगर आपको ट्रीटमेंट याद हो, और अगला कौन सा था, इंटरिम डिविडेंड, और इसके बाद कौन सा था, टैक्स, तो टैक्स की कौन सी चीज, प्रोविजन, ये पांचों को ऐड करके आंसर आएगा, अभी चलते हैं, बैंक लोन ठीक है, लो टैक्स बैठा है, अगर मान लो कनफ नीचे कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ऊपर ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, पहली बात हो लिख दूं, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ जाएगा, उसको बोलने दो भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, कौन कौन सा ऐड होगा, प्रोविजन क्लोजिंग वाला ऐड, हाँ क्लोजिंग वाला ऐड होगा, और ओपनिंग वाला माइनस, ऐड कहाँ होगा, ऑपरेटिंग का टॉप, ये वाला जो मैं लिख रहा था, लेस कहाँ, ऑपरेटिंग का सबसे बॉटम, सबसे लास्ट में जाके, डन हो गया, पांच वर्ड ऐसी द्वारा बोल रहा हूँ, सरप्लस, जनरल रिजर्व नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है छोड़ दो, दो डिविडेंड्स, एक टैक्स, टैक्स का प्रोविजन, टेंजिबल इंटेंजिबल बात बन गई, इंटेंजिबल तो गुडविल ही है, पहले थी नहीं आज है, तो याद आया कुछ देखिए, वही वेंडर वाला क्वेश्चन है, वेंडर वाला क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट टिक करेंगे अपन, कि उस वेंडर का इफेक्ट कहाँ का आया, ठीक है, नीचे गए स्टॉक, टीआर, कैश, बैंक, चलो पहला पॉइंट ये कह रहा था मैं, पर
ये था वो 11500 सेम आ गया ना, 11500 डिविडेंड ऊपर भी ऐड होगा और फाइनेंसिंग में लेस होगा। देखना चाहते हो तो देख के टिक कर देना, ये मेथड डिविडेंड पेड मेन तो इसी के नंबर है यार। और तुम कहां गलती करो, पॉइंट्स में गलती करनी हो, कहां गलती नहीं करते आप लोग। ये 11500 और फाइनेंसिंग में गए, फाइनेंसिंग में गए 11500, आराम से एग्री करो बात को, डन है। ऐसी चीजें पढ़ने का फायदा है, पेपर के आगे जाके ये सोचते हो ना कि तैयारी पहले हो गई, रिटर्न प्रैक्टिस। हाँ एक एक क्वेश्चन जरूर बना के देखो कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे बनता है, एडजस्टेड पीएनएल कैसे बनता है, पेपर में बनाने में दिक्कत ना है, थोड़ा फ्लो रहे हाथ को। अभी आपने बना के देखा होगा, मान लो पूरा लिख के फ्लो बन गया, एक ही क्वेश्चन पेपर में करना है, कौन सा ज्यादा करने हैं अपन ये चीज। अगला सुनो, एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज फॉर अ कंसीडरेशन 30,000, पेबल इन शेयर छोड़ो, क्या परचेज किया, स्टॉक मशीनरी, बच्चा कितना 10 और 12 500 तो 22,500 बना, उसके बदले में 30 के शेयर दिए, बिल्कुल सही। और 7,500 की क्या आई, गुडविल, नॉलेज के लिए बताऊंगा, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट, एज अ कैश फ्लो सिर्फ ट्रीटमेंट किसका होगा, जो स्टॉक आपने क्या किया है परचेज, दिमाग लगाइए स्टॉक आएगा, मैंने जो ट्रीटमेंट बताया था उसमें सिंपल कहता हूँ, स्टॉक आएगा तो ये समझ लो आपके पास स्टॉक ये 50 की जगह कितना हो गया, बस ये समझ लो, बस 50 + 10,000 का खरीदा, जो भी खरीदा चाहे वेंडर से खरीदा, टोटल आज कितना हो गया 60 से कितना हो गया ये समझ लो 37, 60 से कितना हो गया समझ लो 37, तो मेरे अकॉर्डिंग 23,000 कम हो गया, 23,000 का क्या आ गया इनफ्लो मेरे अकॉर्डिंग, पर मुझे लगता है आपकी बुक अलग करती है, यहाँ पे 10 अलग करती है 13 अलग करती है, दोनों ठीक है जी। ये तो ज्यादा सौखा है, ये ज्यादा सौखा है, पर इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे बच्चे, होता है थोड़ा ज्यादा सर्टन किया क्यों पंगा लेना बुक में, जैसे किया वैसे कर दो, तो याद करना ठीक है 10 ऊपर ऐड कर देना, ऐड ही करना है, समझो मेरी बात को ठीक है ना। आगे चलिए दिखा देता हूँ, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये रहा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग में, परचेज ऑफ स्टॉक अगेंस्ट क्या लिया आपने शेयर्स, ये 10,000 ये रहा और आपका 13 ये रहा, देख लो कहीं तो दिक्कत आ जाए करे कैसे भी, आंसर नहीं गलत होगा आपका, बिल्कुल कैच करो, डन है। इसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट, हाँ मशीनरी अकाउंट में जरूर लिखूंगा डेबिट साइड पे 2 शेयर्स, मशीन तो आई है ना सर, तो ये देखो ये बच्चा भूल जाता है करते करते, सर ने तो कहा था काटी मार दो, ये रहा मशीनरी अकाउंट में 2 शेयर्स, ये तो इससे फर्क पड़ेगा आपकी किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, अगर ना रिकॉर्ड किया परचेज ज्यादा बोलोगे फिर आप गलत हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद गुडविल का सीन नहीं, मशीनरी फर्दर परचेज करी, खुद ही बोल गया कितने की 4, पापा नीचे गए सुनने वाली बात है, तो मैंने फिर लिख दिया 2 कैश परचेज कितने की 4, बीडी तो चलो पता चल जाएगा, सीडी पता चल जाएगा, वापिस आए, वापिस आके बढ़िया क्या चीज है, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करो मशीनरी पे कितनी जल्दी बोलो 6, तो वापिस गए बाय डेप्रिसिएशन, इट्स अ 6 डाउट सही है। अब लास्ट पॉइंट सुनने वाला है, इनकम टैक्स क्या वर्ड है, प्रोवाइड का मतलब प्रोविजन, ना 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 ये तो चक्कर है, प्रोवाइडेड का मतलब प्रोविजन। अब ये कह रहा हूं कि जो ऊपर आप बोल रहे थे ना 17,500 वो ऐड नहीं होगा, अब ये वहां ऐड होगा और पेड आप निकालोगे, पेड विद हेल्प ऑफ अकाउंट 15 से 17,500 हो गया वो। हाँ मैं ये अब ये रब कर सकता हूँ ये ट्रीटमेंट, अब मुझे ये कुछ नहीं लिख सकता मैं, 15 से क्या हुआ था 17,500, अगर तेरे अकॉर्डिंग यहाँ छोटू सा अकाउंट बनाए बी डी 15 सही बोल रहा है और भाई सी डी 17,500 बाय एस पी एल 16,500, टोटल लगा 16 और 15 31,500 माइनस 17,500 14,000 आपका पेड आ गया, तो ये बैंक लिख ले पेड लिख ले, मैं 14,000 माइनस होगा 16,500 ऐड होगा, अब आ जाएगी वो, मैंने तब पूछा था अगर कुछ ना हो तो। अब लास्ट पॉइंट बड़ा खतरनाक है, लास्ट फंड फ्लो में भी आया था ये पॉइंट, 100 रुपए लॉस हुआ किस पे, राइट ऑफ कर दिया जनरल मशीनरी पे लॉस है, लॉस तो आप जानती हैं मशीनरी अकाउंट में तो आता ही आता है, किस साइड आता है क्रेडिट साइड, मैं मशीनरी के गया क्रेडिट साइड गया बाय जनरल लॉस लिख दिया 100 रुपए, अब फिर सोचो फिर वही फर्क आ रहा है, तो दिमाग लगाओ लॉस बोल तो रहा सेल पे है तो कुछ सामान भी कभी तो होगा, बच्चा कहता है मैं बैलेंस शीट पर डेफिनेट डालाया, डेफिनेशन तो ऑलरेडी दी हुई है 6 आपको, तो क्रेडिट साइड दो चीज आती है कम होने का कारण डेप्रिसिएशन या सेल, डेप्रिसिएशन दी हुई है तो दूसरा रीजन इज द सेल, तो ये 900 सेल आ गया, 900 सेल है तो कहाँ जाएगा इन्वेस्टिंग, और ये 100 रुपए गड़बड़ ना करना जनरल रिजर्व अकाउंट में भी जाएगा, ये बच्चा कहता सर ये लॉस है आपने कहा था पीएनएल, नहीं 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 भाई मैं पीएनएल गया हो तो मैं वही ठीक कर देता, पर मैं गया ही किसके अंदर जनरल रिजर्व, मुझे जनरल रिजर्व का बैलेंस बताओ, देखिए क्वेश्चन में क्या था 25 से 30 था, हाँ 5 25 से 30, अब देख बात तो वही आ गई कुल मिला के 100 आपने इधर लिखा क्रॉस एंट्री, यही बैलेंस कितना निकल के आ गया, बात तो वही है कर सकते हैं जी, पर वो एंट्री जनरल वाली है ना,
आप अकाउंट में जब जनरल जनरल लेके जाएंगे लेजर के थ्रू चल गए प्लस वन का टॉपिक, फिर उसके थ्रू जाएंगे तो मशीनरी में भी आएगा, मशीनरी से जनरल भी जाएगा, आंसर वही आ गया तेरा। मैं तो ये दिखा रहा हूँ, अगर आप 100 रुपए लग सोचते वहीं पे पीएनएल में पहले लेस किया हुआ, क्या करती एड, यहाँ 5 भी क्या करते एड, एड तो 5100 ही किया बट रूट चेंज हो गया। अब जर्नल जब ऐड होगा किस नाम से, 5100 के नाम से, तो डाउट देख लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये पॉइंट में थे, ये रहा कर अपना आपका टैक्स काउंटर जी, डन है, ये तेरा टाइम पास है। लैंड एंड बिल्डिंग, अब खुद देखो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से कितनी हो रही है, चक्करो 95। पहला रीजन हमने दृष्टि क्या माना, डेप्रिसिएशन, नेवर बी सेल, फिक्स एसेट्स हैं, पहला रीजन इज दैट डेप्रिसिएशन मेन कारण है। और ये शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना है, बना लो, वैसे काम तो आता नहीं, काम तो आता नहीं, कारण क्यों, 1 लाख से 1:30 हुआ था, आपको पता है 30,000 में शेयर देखे हैं, तो लिखना तो वही बाय मशीनरी स्टॉक गुडविल टाइम पास, काम नहीं आता। इसके बाद कौन सा अकाउंट है, ये रहा गुडविल, क्या कुछ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट भी आ सकते हैं कुछ। आ सकता है जी, पहले एसपीएल दिया होगा फिर बैलेंस शीट दी होगी, बनाइए कैश फ्लो, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, कारण आप इनकम स्टेटमेंट को टोटली इग्नोर करके भी चलेंगे तब भी काम चल जाएगा, बस उसका फर्क कहाँ पड़ता है ना, डिविडेंड क्या आता है बहुत छोड़ दो, बस उसको छोड़ दो। अब मैं तुझे खुद ही बोल रहा हूँ जीपी ऑपरेटिंग और एनपी, अब तो क्वेश्चन ही कॉमन सेंस है, एनपी से स्टार्ट करेगा तो डिविडेंड तुमने लेस ही नहीं करा तो ऐड बैक क्यों करेंगे, वो पॉइंट के ऊपर आता है, अभी दिखा दूंगा अगर आया रास्ते में, वरना उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और बच्चा मैं कहता हूँ अगर पेपर में एसपीएल क्वेश्चन आ गया, आप खबर आइए मतलब, आप उसको साइड कर दो, बिल्कुल साइड कर दो, चुपचाप हो जाओ बैलेंस शीट की तरफ, बस भूल जाओ उसको, अगर बिल्कुल सही करना है। और उसको हम तब कहते हैं कि अगर दिया हुआ है किसको ज्यादा स्मार्ट बनना है, ये थोड़े पॉइंट कम करने हैं, उसका दिमाग भी चाहिए उतना, तो क्या होगा आप उस आइटम्स को लेस ही ना करिए, जैसे डेप्शन लेस ही ना करो तो ऐड बैक क्यों करेंगे, तो बच्चा कहता है डबल इफेक्ट है, लेता भी नहीं और डेप्शन भी ऐड कर दिया रहा है, वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम करते हैं और कारण नहीं। डन हुआ जी, और ये क्वेश्चन आपके पेपर वाले जो भी हमने किए। अब आइए 37 नंबर जल्दी, बैलेंस शीट है गुड लाइफ की, अब ये थोड़ा पॉलिटिकल फॉर्मेट में आ गया, ध्यान से देखिएगा 20 और 21 पेपर में, फिर कहूंगा ईयर ध्यान देना, बीकॉम वाले पंगे ले लेते हैं, ये 20 से 21 दे देगा, हमें हैबिट होगी वही, इधर से इधर प्रेजेंट रहिएगा पेपर में, ये हो जाती है गड़बड़ जाके करते हैं, ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल 4 से 5 है, यहाँ देख पर्फ क्या दिया हुआ है, तो आपको ऐसा कुछ तो होगा सेल सूल वाला, पर एक्चुअली अगर कोई प्रॉफिट कैप्टर जब चला गया तो इट्स गुड फॉर यू, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज एसेट बेच के ट्रीटमेंट कैप्टर जब ही जाना चाहिए होता है, ठीक है। जनरल जो पड़ा है 30 से 36 तो कितना आ जाएगा 6, प्रॉफिट 50 से 60 कितना पड़ा है 10, तो 16 हो गया यहाँ पे, जहां से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा कनफ। डिवेंचर का 10% है, इंटरेस्ट देख के आना है, ओपनिंग क्लोजिंग आप देखो क्या मना है, अगर कुछ बोल गए तो उस अकॉर्डिंग। टीपी और एसटीबी शॉर्ट टर्म बोरिंग कहाँ जाएगा जल्दी बोलेगा, फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग, के लिए करंट लाइबिलिटी ले जाओ फिर काम खराब हो जाएगा। प्लांट मशीनरी तो ठीक है, ये क्या दिया अकाउमुलेटेड, तो मतलब ये कौन सी वैल्यू दी हुई है जल्दी बोलो, ग्रॉस, ये जाते हैं ना कुछ लिखने वाली बातें होती हैं, फिर अकाउंट गलत नहीं होता हमारा, मतलब अकाउंट बनेगा। दोबारा सुन लो एक और नई चीज, सर बच्चे का डाउट आता है सर यहाँ पे डेप्शन का बैलेंस लग दिया हुआ है, क्या अकाउंट बनेगा, तब बनेगा अगर नीचे कुछ क्या दी हुई कोई इन्फो, अदरवाइज नो नीड। सर क्यों, अगर ना अगर कुछ नीचे ना बोला हुआ क्यों नहीं बनाएंगे, सुनो आप कहेंगे 4 लाख से मेरा प्लान कितना हुआ 5.5, कॉस्ट भी है 1.5 लाख की परचेज, और परचेज क्या हो गया आउटफ्लो, डेप्शन मेरी 60,000 से कितनी हुई 82,500, कितना चेंज 22,500, दिस इज माय डेप्रिसिएशन, खत्म। अकाउंट ना कर करोगे क्या, पीडी सीडी बैलेंस, इधर बीडी सीडी एसपीएल जरूरत ही नहीं है, पर अकाउंट तब बनेगा पहले तो उसके लिए बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस है और नीचे इन्फो होनी जरूरी है, इंफॉर्मेशन फलाना फलाना बेचा करा कुछ, अगर नहीं है तो लिमिट इन्वेंट्री टीआर प्रीपेड कैश, ठीक है आंसर मेरा ये रहा, आंसर ये रहा 1:30 से 1:25, बस 27,500 आंसर क्या आएगा नेगेटिव, 27,500 एक्टिव, आप तैयार होकर बैठेंगे पेपर में पहले ही, प्रपोज जिन्होंने देखा मैंने पहले जाते इस पे क्या लगा दिया काटा, 10% पे करना है, अब ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, 4 और 5 पे तब चेक कर लेंगे 4 लाख पे, डन हो गया। अगला पॉइंट ओपनिंग, प्रपोज डिविडेंड पर नीचे पॉइंट था वही वाला ज्यादा गया, शेयर होल्डर ने प्रूव, भाई तेरे पे भी काटा, जब प्रूव ही नहीं करा, कोई बोर्ड अनाउंस करता है डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अनाउंस करते हैं जो शेयर होल्डर्स को अप्रूव करते हैं, और रेट उससे हाइक नहीं, पेपर में मान लो पेपर आ गया, हाँ पेपर में आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू डिक्लेयर डिविडेंड 15% एंड मेंबर्स कहते हैं 20%, 15 ही होगा, 20 कभी हो ही सकता, मेंबर्स रेट को अप्रूव कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं रेट को, बोर्ड के रेट को कभी इंक्रीज नहीं कर सकते, ये मेंबर्स की पावर से बाहर, ठीक है। डिवेंचर रिडीम एट पार, एट द एट द एट द एट द ऊपर गए, डिवेंचर 2 से कितने हुए 1.5, 50,000 का क्या हुआ जल्दी बोलो आउटफ्लो, और आपने रिडम्पशन कब कर दी जल्दी बोलो, बिगिनिंग में साल के स्टार्टिंग में ही 50,000 वापिस कर दिया,
तो आप इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करेंगे? 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10%, 15,000 एड, 15,000 लेस, एड कहा ऑपरेटिंग, लेस कहा फाइनेंसिंग। चलो अगला पॉइंट कौन सा जी? इसका डिविडेंड, वो डाउट आता रहा जी, मतलब अजम्पशन अपनी है, इक्विटी कब इशू करी हुई बात, फर्स्ट डे या लास्ट डे, जब मर्जी कर लो। इंटरिम परसेंटेज में अगर आ गया वो क्लोज होता है, इंटरिम अगर परसेंटेज पे आ गया वो क्लोज पे होता है, वरना हम ओपनिंग पे मांगे जाते, पर यहां तो पॉइंट ही कुछ और हो गया इसलिए नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड 25, जिसपे कितनी डेप्शन लग चुकी? 20, मतलब 40 वाली पे 20 तो क्या लग चुकी डेप्शन, तो उसकी बुक वैल्यू क्या बची? 20 वाली कितनी बिक्री है? 25, 5,000 का तुझे क्या हो गया प्रॉफिट? इन्फॉर्मेशन आ गई, अकाउंट बनेगी, इन्फॉर्मेशन आ गई, दो अकाउंट आमने सामने पेपर के अकॉर्डिंग बनेंगे। इनकम टैक्स पेड, मैं ऊपर गया मुझे तो कोई इनकम टैक्स दिखा नहीं, तो क्या करेंगे सर? इसी को एक बार ऐड कर देंगे, इसी को एक बार लेस कर देंगे, कोई पेड करे तो इस साल, ये कभी आज अगर पेड कर रहा है कभी ना कभी तो प्रोविजन बनाया होगा, उस साल के प्रॉफिट क्या किए होंगे? माइनस, सो दैट्स व्हाई उसको ठीक करने के लिए आज एक बार ऐड करेंगे और एक बार लेस। डाउट ये आ जाता है पॉइंट ऐसे पेपर में, सर मैं देखा वहां पेड़ था और बोले नहीं, तो मैं सिर्फ नीचे माइनस कराया, नहीं 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 डबल इफेक्ट होगा, कोई एडजस्टमेंट नीचे आ गई उसकी डबल इफेक्ट तो वो नहीं होने। ये ले भाई इंटरिम 25, हाँ ये जरूर तेरा मैं पे करवा दूंगा, पहला इसलिए नहीं हो पाया शेयर होल्डर्स ने अप्रूव नहीं किया, ये तेरा 25 आप एक बार ऐड करा देंगे, एक बार ऐड, फिर वही ऑपरेटिंग 5 और लेस सबसे फाइनेंसिंग। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, वो प्रॉफिट कहां चला गया? कैप्टन सर अकाउंट जरूर बनेगा, वैसे अकाउंट खाली रहेगा, कारण क्यों? बस एक चीज रखना, 4 का प्रॉफिट हुआ था पर प्रॉफिट का भी क्या करूं, वो ऑलरेडी कहां चला गया? कैप्टन सर अगर अकाउंट बनाएंगी, जैसे मैं छोटा सा यहां बना के दिखाऊं, मुझे इन्वेस्टमेंट का बीडी बोलना क्या है, इन्वेस्टमेंट का बीडी, इन्वेस्टमेंट का बीडी 80 और सीडी क्या है, पहले आप सोचो कनव 80 से 60 कितना हुआ, 20 का ही 20% प्रॉफिट तूने बेचा, कितना हुआ 4, तो तुझे प्रॉफिट हुआ 4। उसके आगे तूने क्या लिखा होगा? कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? बाय बैंक हाउ मच, इट्स 24, खत्म, दिस इज द अकाउंट। इस पूरे अकाउंट में हमारे काम क्या आएगा आयुष? सिर्फ ये 24। कहाँ जाएगा? सेल ऑफ NCI, कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग, दैट्स इट। देख लीजिए कोई डाउट है, कोई आपको लगा कोई ऐसा भी डाउट है तो बताइएगा, वरना ये आपको ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अपने क्वेश्चन पूरे आप देख चुके हैं, उसको बनाने में आपकी हेल्प ही हो तो तभी पेपर में निकलेगा, वरना घर जाके जब पढ़े तो बस पॉइंट उठाओ, उसका ट्रीटमेंट बड़े ध्यान से देखो, नहीं समझा तो नोट कर लो, अगले दिन आगे डाउट पूछ लो। सबसे बेस्ट होती है इलस्ट्रेशन पढ़ो, वहीं से पेपर आना होता है, कोई फालतू चंगे नहीं जरूरत नहीं, बस सारी पढ़ो, ये नहीं वही पैट 3-4 पढ़ो, नहीं नहीं फिर तो बैठ ही गए, तो पेन पेंसिल लेके कर दो, नहीं समझ आएगा मुझे फोटो भेज दो, साथ गया मैं देख के बता दूंगा कि हाँ भी क्या चक्कर है, कैसा करना है, क्या करना है, डन हो गया। आगे चलिए इसको करते हुए ये देख कितने अकाउंट बना रहा है। अब आ जाओ 38, जल्दी पढ़ो बैलेंस शीट पढ़िए, 31 मार्च 20, और क्या है तरफ 21, इक्विटी रिजर्व मुझे ठीक दिख रहा है सब कुछ, ये क्या दिखा? प्रोविजन फॉर टैक्स, तो जानते हैं आप लोग, ओपनिंग क्लोजिंग डन हो गया। अब नीचे गए, ये कोई फर्क नहीं होता, क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, सिंपल भाषा में आउटस्टैंडिंग, एसेट में पढ़ वो क्या मजे ले रहा है, फिक्स एसेट ओपनिंग है, फिर एडिशन करी, फिर आपने डिलीशन डेपिशन करी, नाउ दिस इज योर क्या है क्लोजिंग, घबराए नहीं नॉर्मल चलेंगे आप, ठीक हो गया। अगला एनसीआई अलग चीज है, ट्रेड जीरो कैश है, कैश इक्विवेलेंट में आज क्या दिया जल्दी बोलो? बैंक कोड, वरना तो मैं बैंक कोड को फाइनेंसिंग लेता पर आज नहीं ले पाऊँ, आज ने मुझे बोल दिया किसका पार्ट मान लिया मैंने इसको, कैश का पार्ट, तो फिर भाई तो चल 1150 से 14 लाख आ रहा है, तो मतलब 2.5 लाख नेगेटिव आएगा, 2.5 लाख नेगेटिव आएगा, उसमें नेगेटिव ऐड करूंगा तो और नेगेटिव बनेगा कितना, 14 लाख, समझ आया? पहले 11.5 लाख नेगेटिव है, 14 लाख नेगेटिव पे जाना, तो नेगेटिव ही कमाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो जाके 14 लाख नेगेटिव बन पाएगा। नीचे ये आ गया तेरा पॉइंट भाई, ये पी एंड एल आ गया, सुन प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना, 31 मार्च 21 एज पर एसपीएल आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, कितना प्रॉफिट जल्दी बोल? 7 लाख, विच वर फर्दर एडजस्टेड एज फॉलो, मैं तुझे बिल्कुल एंड क्लोज पार्ट पे छोड़ रहा हूँ, कहाँ पे? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, मतलब अभी मैंने टैक्स भी माइनस नहीं किया। और सुन ये देख, तेरा वैसे पिछले साल का प्रॉफिट क्या था जल्दी बोल? 3.23, मैं क्वेश्चन में जाऊँ, क्वेश्चन में जाऊँ, ये बैठा है तेरा 3.23, देख लो किसी को डाउट आए कि बच्चा मैं सर मैं नहीं देख रहा हूँ डब्बा सा क्या है, फिर आप चुपचाप 3.23 से पर क्या चलो 383, आप बोल जाओ कि डब्बा है था, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, पर बच्चे कहते नहीं जी डब्बा है क्या, आप सुन दो पूरी कहानी फिर। अब 323 से 83 का सफर क्या है? सिर्फ 60 नहीं है, वो कैसे बना सफर देखो, आ जाओ, तो ये रहा सफर भाई, 323 पिछले साल का, इस साल का आफ्टर क्या बोल रहे थे बोल? डेप्रिसिएशन ऊपर दिया था 7 लाख, कुछ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपर ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब तो खुद जोड़ रहा है ये चीजें,
तो कल को आने वाले टाइम में क्या करनी पड़ेगी, माइनस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक करके कितना है पहले ये तो 10, 43, फिर आप कहते हैं मैं टैक्स भी दूंगा प्रोविजन 360, ट्रांसफर भी कर रिजर्व में 1.5 लाख, प्रपोज डिविडेंड भी दिया 1.5 लाख, तो नेट आंसर कनफ क्या आ गया 383। अब तेरे पॉइंट पे आता हूँ, जब बिल्कुल क्लियर कट गेम खेलनी है, अगर तू इन चीजों को पंगा नहीं लेना चाहता छोड़ दे बिल्कुल, डब्बे को भूल जा, चुपचाप क्वेश्चन स्टार्ट कर। वही सरप्लस कितने से 60, कैसे 323 से 383, फिर चुपचाप तो इसमें क्या क्या करता जाएगा जल्दी बोल। पहले तो करेगा जी जनरल रिजर्व ऐड करेगा, याद है, फिर क्या करेगा टैक्स ऐड करेगा, फिर क्या करेगा डिविडेंड, कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ को चेक कराता हूँ। 323 से कितना था हमारा वो, आइए वापस, 323 से 383 कितना हो गया 16, 16 में ऐड बैक करो जनरल रिजर्व, जनरल कितना था 1.5 लाख, कितना आ गया 210, 210, 1.5 लाख रुपये डिविडेंड ऐड करो, 210 प्लस 1.5 लाख 360, 360 प्लस टैक्स ऐड करो, टैक्स 360 है, कितना हो गया 720, 720 में आपने 20,000 की इनकम ऐड करके है प्रॉफिट, तो क्या करेंगे आज माइनस, तो कितना आ गया, जहां से चले थे वही क्वेश्चन है, आंसर तो वही पहुंचेगा। अगर आप कहते हैं सर इतना कुछ अगर ना दिखाऊं, सीधा ही जाके टप्पे पे लिख दूं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो फिर क्या जरूरत है कुछ करने की, ये पॉइंट है अगर आप समझ पाते हैं। ये सर मैं नहीं करना चाहता ये इतना कुछ, क्या बोल रहे हैं आप, ये मैं तो सीधा लिखूंगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, वो भी आफ्टर है अभी, मतलब उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो रखी है, मुझे क्या करनी पड़ेगी, हाँ मुझसे भी बैग जा सकता हूँ बट अभी पंगा नहीं लेंगे, इतना तो करनी पड़ेगा यार। तो आप सीधा जाके लिखो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन इज 7 लाख, जहां से मैंने यहाँ स्टार्ट किया था कनफ, यहाँ से, तो मुझे इस डब्बे से तेरे से कोई रोल नहीं। अब पूछ प्रॉफिट भी ऐड करेंगे फिर उसमें कौन सा प्रॉफिट अजय, नहीं 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 ये क्यों करेगा, तूने चेंज तो देख लिया, तेरा आंसर आ तो गया देख 7 लाख, ये तो चेंज होती इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड करंट, करेंगे हाँ डेप्रिसिएशन करेंगे इसे, बिकॉज़ जो आफ्टर है डेप्रिसिएशन भी, डायरेक्ट बल्कि इंटरेस्ट भी करेंगे, इंटरेस्ट भी करेंगे, इसको डायरेक्ट लिख देना वर्किंग फिर तो कुछ भी नहीं करना जी आपने। ये नोट सबसे बड़ा फीचर है एक्चुअली पीएनएल का, प्लस टू में भी आता है तब कम सिखाते हैं बच्चों को, वो उलझ जाएंगे बेचारे, वहां आता है एसपीएल के फॉर्मेट से, जीपी ऑपरेटिंग एनपी, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट ये थोड़ा देसी दिया हुआ है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो आप जहां मर्जी से स्टार्ट करो, मैं तो कह रहा हूँ उस बच्चे के लिए क्यों चिंता लेनी तुम लोगों ने, तुम इसको छोड़ डब्बे को, सीधा आ जाओ जी एनपी, वही बिफोर टैक्स निकालते हैं, वही फॉर्मूला मेरा 5 वर्ड, क्या सरप्लस सारे हैं तेरे पास, जनरल रिजर्व टैक्स डिविडेंड, तो वही पहुंचेगा, पर तू लिखेगा क्या एनपी बिफोर टैक्स, पर उसमें तू प्रॉफिट जो तूने ऐड कर रखा है क्या करना पड़ेगा, yes. पर वर्ड तुझे प्रॉफिट फिर यहीं से मिलता, पर अभी भी अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो मींस दैट इसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट था क्वेश्चन में चेक करना, यही नहीं था, हाँ डेप्रिसिएशन जरूर, अभी दिखाता हूँ तुझे, अभी ओरली दिखाई देता हूँ आपको मैं, पढ़ो पहला पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड अमाउंट टू कितना है 1.5 लाख फॉर द ईयर 20 एंड सेम प्रपोज फॉर 21, आप तो 1 साल के लेके चलते हैं पता है 20 साल, वही ऐड वही लेस, सेल्स एंड परचेज फॉर द ईयर अमाउंट टू 80 लाख एंड कितनी दी हुई है 65 लाख, ये थोड़ा उस साइड पे चला गया डेट मेथड की तरफ, ठीक है। प्रॉफिट इन अराइविंग पड़िएगा एट द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल रेफर टू ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, क्या कर दिया हमने डेट कर दिए, ऊपर आइए क्वेश्चन में, ये रही आपकी डेफिनेशन मालिक, जल्दी बोलिएगा 2 लाख से कितनी हुई 320, तो कितनी डेफिनेशन लगाई होगी आपने 1 20 माइनस की हुई है, तो 7 लाख में क्या करेंगे एड बैक, तो कितना क्वेश्चन स्टार्ट होगा 8, मेरे अकॉर्डिंग इंडायरेक्ट में उसने नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट हुए कैश फ्लो, ठीक है ये ले भाई, और कुदरती बात है हम इतना कुछ बोली जा रहे हैं, वो खुद कहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना 7 लाख, तो पाक लगा है नीचे जाएंगे, आप पहले से सही सही करते जा रहे हो फिर वापस भी आओगे, तो जरूरत ही क्या, बट वो समझ आए किसी बच्चे को, सर मैं क्वेश्चन देख रही थी घर पे बच्चा था डाउट में, सर मैंने इसे 7 लाख से स्टार्ट कर दिया कैसे, और भाई वो उसने माइनस ही नहीं करा, आप 360 1.5 लाख 1.5 लाख माइनस करती फिर उसको ऐड बैक करती, क्या तो मैंने सीधा आपके सामने कहा 820 से स्टार्ट है, इसके बाद आप हेडिंग क्या देंगे जल्दी बोलिएगा, एडजस्टमेंट फॉर किसमें वर्किंग कैपिटल, वो तो हो गया ना फिर, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग तो खत्म हो गया, नॉन ऑपरेटिंग है नॉन कैश तो खत्म हो गया, तो बचा ही क्या, सीधा बोलिएगा वर्किंग कैपिटल, अब तो अफरा आप शुरू हो जाओ, वर्किंग कैपिटल आपने देखना है वो ट्रेड क्रेडिटर स्टॉक डेटर चार ही थे, चेक करो ये करके का ना, ये आ गया नेगेटिव, इसके बाद टैक्स पेड तो करेगा ही करेगा, टैक्स पेड था शायद इसमें ऊपर बैलेंस था टैक्स पेड का, जल्दी बोलो ये रहा, जाए इसका अकाउंट बना के देख मजा आएगा, टैक्स का अकाउंट बीडी बोलिए कितना है 197, सीडी बोलो क्वेश्चन में आपको क्या दिया जल्दी पढ़ के बताओ मुझे कितनी, ये बच्चा भूल जाता है वहां तो डायरेक्ट स्टार्ट कर लेगा,
ये पॉइंट ही मिस कर जाएगा, कहाँ दिया हुआ है प्रोविजन डिविडेंड्स या जर्नल्स अब कहाँ दिए हुए हैं, तो वहां दिए हुए थे इसलिए हम बॉक्स में, तो इसको ऐड करिए और ये करिए कितना आ जाएगा 187 चाहिए 187। ये आपका कन ऑफ पेड आ गया, तो टू बैंक लिखेगा पेपर में। अब ये 187 इसने माइनस किया होगा, चेक करो पहले ही माइनस में था, 260 माइनस आ गया। परचेज में चलूं तो मुझे कुछ ज्यादा दिखा नहीं, एक तो सेल दिखी थी इन्वेस्टमेंट की, अभी देख लेता हूँ, आप भी आइए मेरे साथ साथ इन्वेस्टमेंट की सेल लो, पहले कितनी थी जल्दी बोलिएगा। बड़ा मजेदार पॉइंट आ गया, और सुन लीजिए, पहले 1.20 की इन्वेस्टमेंट थी, अब कहता है 1.20 की बिक गई, 20 का प्रॉफिट तो हुआ था, वो भी यहाँ रखना पड़ेगा साथ साथ में। नीचे दिया ना इसने, इसने यहाँ दिया हुआ है, सारा बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, देखना तो पड़ेगा। कर आप 1.20 का 20 प्रॉफिट हुआ, कितने बिकी 1.40। परचेज पे जाए, एडिशन की बात करें तो आपने कितनी एडिशन करी हुई है नेट 80 की, 6 से देख लो, 6 से ये क्वेश्चन पे गए आप, ये 80 की परचेज है, 140 की सेल है, नेट कितना आ गया 60। फाइनेंसिंग में मुझे कुछ ज्यादा दिखा नहीं, एक शेयर कैपिटल दिखी थी शायद 4 से 5, 1 लाख की, और एक डिविडेंड एक ही था वो जो अभी नीचे आया था, 1.5 लाख रुपए, 50,000 आ गया आंसर खत्म हो गया, 2.5 लाख नेटिव आ गया, 11.50 पहले नेटिव है, 14 लाख से मैच कर गया। सर हमें कैसे पता लगेगा उसमें इन्वेस्टमेंट में एडिट है कि नहीं? कौन सा 20,000 एडिट कहाँ पे है, ऐड तो है नहीं, ऐड तो होता ही नहीं, पता कैसे चलेगा? बैलेंस शीट में हमेशा बिना उसके होते हैं प्रॉफिट। बेशक बैलेंस शीट है, एट बुक वैल्यू वो एट कॉस्ट पे होगी ना चीज। आप मेरी चीज देखोगे, मैं कहूँ मैंने अपनी कार आज बेची, मान लो सुनने वाली बात है 6 लाख की, अब मुझे आज का रेट पूछोगे वो तो फिर डेप्शन के बाद ही होगा ना, कार है अभी इन्वेस्टमेंट है, इस पर तो डेप्शन भी लगती बेचारे पे। 1.20 से 0 हो गया भाई, कहोगे 1.20 वाली बिक गई, 1.20 वाली कितने की बिकी वो बताओ, मे बी एट बुक वैल्यू, मे बी एट प्रॉफिट, मे बी एट लॉस, ये चीज है। और नीचे आपने हिंट दिया मुझे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, कुछ तो भी होगा, तो ये नहीं कहेंगे 1 लाख की पहली वो 1.20 दिखा रखी है, आज 1.20 वाली 20 प्रॉफिट पे कितनी बिकी 1.40 की। देखिए डाउट जी कोई, ये आ गया आपका पीएनएल वाला क्वेश्चन आ गया, बातों बातों में कोई डाउट है बताइए। 39 आपके सामने रहा, फटाफट देखिएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जल्दी, 20 और क्या दिया जल्दी बोलो, 21। फिर अपने को जाते हुए क्या देख गया यहाँ पे, बस ये तो पक्का यार देख लो, जहां कैप्टन साहब वो ठीक है, मतलब गड़बड़ नहीं, पर पॉइंट आएगा अकाउंट में जाएगा, सेल निकलेगी उससे, ठीक है। मैं नीचे गया ऊपर शेयर कैपिटल था, मुझे दिख रहा है बस पेपर पढ़ने का तरीका ही, पहली मुझे दिखा नहीं ऐसा मतलब ही नहीं, इधर गए टेंजिबल मशीनरी नीचे, इंटेंजिबल में कौन गुडविल, 90% चांस होते हैं, ये कम ही होता है, 90% चांस है, 10% चांस है कि वो कभी अप हो जाए, तो वे परचेज ऑफ इंटेंजिबल एनसीआई गुड। इधर 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 ये नया वर्ड मिल गया, बताओ क्या करोगे, आपसे पूछ लेते हैं, मैंने पढ़ा नहीं, ये आपको इसी बुक में देखने को मिलेंगे, प्लस टू बुक में नहीं, प्लस टू बुक में तो फॉर्मेट ही गलत है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और बैलेंस शीट में एसेट साइड तो आती ही नहीं, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही लेस हो जाते हैं। अरे भाई साहब ठीक है, दिखाई जा रहे हैं पुरानी बुक है, बताओ कैसे करोगे। हाँ नो गुडविल की तरह करो, राइट ऑफ है सर, 5 से कितना हो गया जल्दी बोलो, 3, 2000 आपने पीएनएल में पहले उस टाइम पे क्या किया होगा माइनस, आज क्या करना पड़ेगा एड बैक, इट्स अ नॉन कैश आइटम, राइट ऑफ करने में पैसा हो जाता है, इट्स अ नॉन कैश आइटम, तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ रखिए, ऐसी चीजें मिल जाती हैं कई बार पेपरों में, देखिएगा। और नीचे आइए, प्रपोज डिविडेंड आ जा भाई, अमाउंट दिए तो बहुत बढ़िया चीज है, इसको कटिंग करो टिक करो, 18 ही है, 18 ही लेस, अगले पॉइंट पे आ जा, इंटरम का इससे लिंक नहीं है, ये अलग से 10,000 रुपये दृष्टि क्या होगा एड और माइनस, डन। 2000 हैज बीन रिसीव रिसीव्ड एज डिविडेंड, 2000 डिविडेंड मिला जल्दी बोलो, ऑपरेटिंग में माइनस, इन्वेस्टिंग में एड, या रहेगा अकाउंट से कोई लिंक नहीं, डिविडेंड और इंटरेस्ट का अकाउंट से कोई लिंक नहीं होता। अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड आउट, को बेची होगी 2021 में, रिमेनिंग रिवैल्यू भी कर दी होगी, जो प्रॉफिट ऑन सेल था रिवैल्यूएशन उन्होंने कहाँ डाल दिया था, मैं वापस गया लैंड एंड बिल्डिंग दिखा मैं क्या भाई, हाँ कितनी हुई है जी बोलिए, 80 से 55, आपके लिए बात पे आता हूँ, कितना कम हुई जल्दी बोल, 25 कम हुई, 25 हुई ना, 80 से 55, 25,000 की सेल, मैं कह रुक तो जा, 10,000 प्रॉफिट पे हुई, तो सेल कितने की हुई ये बोल, 35, पर ये कि ये तूने प्रॉफिट ऑलरेडी कहाँ डाल दिया, इन कैपिटल सर, बच गए आप तो, पर अकाउंट में सेल 35 जाएगी, और अकाउंट में कुछ नहीं है, ना भी बनाओ अकाउंट है, बट मेरी ये बात मान लेना सेल 35 है, कई बच्चे कहते हैं नहीं जी अकाउंट बनाना जरूरी है, मैं पॉइंट है तो बना दो, आपकी बुक ज्यादा बनाती है, नंबर 15 नंबर लेने हैं इसलिए। अगला पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये वर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी रिटन ऑफ 15,021 में एंड नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन, हुआ ही नहीं, तो आप कहते हैं जी इससे क्यों बोला नो डेप्रिसिएशन चार्ज, बच्चा क्या कहता है 80 से 55, कहीं डेप्रिसिएशन तो नहीं, उसने हेड दे तो दिया, उससे ऊपर ही दे दिया भाई, मैंने बेच दिया
और बेच के प्रॉफिट भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल ने बच्चा कहता सर 80 से 55 आपने कहा था, फिक्स्ड एसेट कम होने का पहला कारण डेप्रिसिएशन, पर भी यहां बोल गया इसलिए। अगला, एक मशीन है जिसकी सोल्ड करी 18, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी क्या होती है? आफ्टर माइनस डेप, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस है ऑलरेडी। तो 20 वाला 18 का बेचा, 2000 रुपए का क्या आ गया जल्दी बोल, अकाउंट में जरूर जाइएगा, अकाउंट में जाइएगा वहां से बैलेंस देखिएगा जहां पॉइंट आ गया। कहना फर्नीचर पे हमने कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाई तो लगा दो फिर, कोई फर्नीचर नहीं बेचा, सॉरी ड्यूरिंग द ईयर कोई फर्नीचर नहीं बेचा, आप ऊपर गए पढ़ते रहे सारी 12 से 10 यही था ना। हाँ तो मैंने समझ लिया 2000 की क्या आएगी कहना इस पे डेप्रिसिएशन, और क्या कारण होगा कम होने का? तूने बोला बेचा है नहीं तो कारण क्या होगा? इट्स अ डेप्रिसिएशन। लास्ट प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स 2020 के आप कब पे करेंगे? अब ना भी कहते सर मालिक हमारा आंसर वही था, हमने बोल दिया धन्यवाद आपका, ये पॉइंट है। मेरा मन कहता है पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए, पहले भी ऐसे आ रखे हैं, मतलब बहुत है यार ये, आपको वैसे ही लगता होगा कि ये बड़े इजी हैं, आम बच्चों तक नहीं आते थे ये वाले, कारण क्यों? आपको आते हैं अच्छी बात है, पर पॉइंट्स की रिटर्न प्रैक्टिस मस्ट है, जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं होगी फिर आप फंस जाएंगे, फिर वहां दिक्कत है। हाँ दो तीन बड़े स्टार मार्क क्वेश्चन है, वही वेंडर वाले, वही स्टॉक अंडर वैल्यू वाले, मैं तो दो ही देखे हैं जो मेन लगे मुझे, आपके वाला मान लो एसपीएल वाले, वो क्या खास आएगा तो वो आपने पढ़ लिए, वो कितना पढ़ोगे? भाई इसकी इलस्ट्रेशन थोरोली देख के जाइए, कोई पॉइंट इधर उधर कर दे तो हमें दिक्कत ना आए, हम तैयार बैठेंगे भी आता भाई। फर्नीचर नहीं बिका या मान लो बोल दिया फर्नीचर सोल्ड, बोल दे नो वर्ड आ दे फर्नीचर हैज बीन सोल्ड इन द ईयर, तो वो 2000 सेल में चला जाएगा, आप डेप्रिसिएशन में ले जाएंगे पहली, वो ऐसी गलतियां तो ये करते हैं बस। प्रैक्टिकल अगर आप प्रेजेंट हैं तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी आपको, इतना सा पॉइंट आपके साथ जरूर पकड़ेंगे। इसके बाद यहां तक कोई डाउट है बताइए, डन है? सारे नोट्स मैं टिक कर रहा हूँ, ये देखो ये तो प्रीलिमिनरी का भी बना रहा है भाई, उसका भी बना रहा है बाय पी एंडल में राइट ऑफ करके दिखा रहा है, अपने को जरूरत है, मैं कहूँगा 4-5 बनाओ बहुत है ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 14 नंबर का नंबर, बैलेंस शीट पर जल्दी मकी जल्दी प्लीज, 20-21 थोड़ा 5-10 मिनट साथ हो दीजिए और कहते हैं खत्म इसको। शेयर कैपिटल, ओ फिर क्या आ गया कैपिटल साहब, फिगर डबल लग रही है बस अपने को शायद। जनरल साहब एसपीएल डिवेंचर दिए हुए हैं सिस्टी पर रेट नहीं पता, तो सेफ साइड है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना, अज्यूम कर लेना 10-12% फंस जाओगे गेम में, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगा दो सर, मैं उनका हेल्प करके आया था। तो प्रोविजन फॉर ई टैक्स, मेरी नॉलेज कहती है बिना इंटरेस्ट के डिवेंचर होते ही नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आप लेना। तो अगला पॉइंट ये देखो, डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया हुआ है, तो दिस इज द ग्रॉस वैल्यू। मैं तो बार बार हमेशा ऐसे ही पढ़ता हूँ कि पेपर में जाते लिख दो कि भाई बाद में इन्होंने दिखा नहीं कि मुझे पता नहीं चला, ये बड़े कॉमन डाउट आते हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज द एनसीआर, होता तो नहीं करंट में होता, वो फॉर समझो करंट एसेट्स है अदर देन कैश एंड बैंक, उसको ले लो भाई अपना वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग चेंजेस। कैश एंड बैंक तो फिर ये रहा 50 से 40, कितना बर्फ 10,000 क्या गया, तो आंसर आएगा लॉस मतलब नेगेटिव 10,000। प्रीलिमिनरी फिर 29 से ऑपरेटिंग में, अगर मान लो कभी प्रीलिमिनरी आ गया 30 से 40 फाइनेंसिंग प्रीलिमिनरी होते हैं फाइनेंस के ऊपर, शेयर्स के ऊपर प्रीलिमिनरी का खर्चे कैसे आते हैं, जैसे शेयर इशू करने का खर्चा, शेयर इशू करने का खर्चा ठीक होगा, डिस्काउंट वेंचर इशू करने का खर्चा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन का खर्चा, तो ये फाइनेंस के खर्चे आ जाते हैं, नॉट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसलिए बोल दिया क्योंकि वैसे चलो आता नहीं, ये फिक्स वर्ड्स है, कभी आ गया तो रेडी फॉर दैट ठीक है। और कंटिंजेंट में तो फिर वही काटा भाई, ओके डन। लो जी पढ़ो फिर पॉइंट भाई साहब, बहुत ज्यादा आगे पर पढ़ते हैं आज। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड क्या क्या हाल चाल है आपकी? सोल्ड वन मशीन फॉर फिर कितने की? 40। द कॉस्ट ऑफ विच कितनी थी? 80। उस पर कितनी डेफिनेशन लग चुकी? 30। तो वैल्यू क्या थी? 50। 50 वाली कितने की बिकी? 40। 10,000 का क्या आ गया लॉस? पहली बात तो अकाउंट बनेगा दो, डेप्रिसिएशन का अलग बनेगा और मशीनरी का अलग बनेगा। मशीनरी फिक्स एसेट एक ही बात है, ये तो बड़ा ढूंढी जाओ मशीन तो है नहीं, वो फिक्स एसेट कोई मशीन बोल रहा है ठीक है, उसी के अंदर बैठा वो। नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडेड 1 लाख एस क्या है? डेप्रिसिएशन। इसमें मुझे लगता है एक पॉइंट काम आना चाहिए आपके, मैं दिखा देता हूँ शायद, मेरे अकॉर्डिंग मेरा मन मानता है ये बाय एसपीएल दिया हुआ क्वेश्चन में शायद। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कहाँ पे है, डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? हाँ ये मैं कह रहा था, इसमें एक नया पॉइंट है, स्टार मार्क करिएगा, वैसे पॉइंट कवर हो जाएगा शायद आपका दिमाग काम करे, वो क्या दिखा देता हूँ पहले मैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, वेटिंग है पेपर में आया तो मजा ले आएगा आपको, करा हुआ तो आपको और ले आते होंगे पक्का, आप करके चलिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। खास बात क्या है कि एक तो ऊपर डेप्रिसिएशन ये वाली 30 बताया था, ये कब कब काम आती है, जब जब आपको डेप्रिसिएशन का क्या दिया हो,
अकाउंट, और अकाउंट में क्या दिया हो, बैलेंस, ये तो तीसरा ही आएगा। अगर आप अकाउंट बनाना जानती हैं तो आपको बताना चाहिए, ये तो जाएगी पहले मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड, फिर वहां से डेबिट अकाउंट की जाएगी डेबिट साइड। पर मैं नीचे बोल रहा हूँ 1 लाख डेबिट प्रोवाइडेड, ये जो आप बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते अपना आयुष, अकोमुलेटेड डेबिट से टोटल लगा के निकालते हो, ये इस बार ऑलरेडी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो ओपनिंग के नीचे लिखते नहीं आप बाय एसपीएल, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। पर इससे एक समस्या बढ़ गई, क्या मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये गया जी मैं आपके डेबिट अकाउंट में, बीडी चेक करो डेबिट का कितना, मुझे बीडी चेक के बताओ। ओके सीडी, ये तीस तो समझ आए ना, और यूट्यूब अगर दिखा भी दूं, ये रहा इसकी क्रेडिट साइड कहाँ गया, इसकी क्रेडिट साइड, इसकी डेबिट साइड, आपने मुझे इस बार ये बोल दिया, ये स्टार है, वरना ये आप हमेशा निकालते थे, आज हमें ये दिया हुआ है पहली बार, पहला क्वेश्चन अब तक ये, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख फिट करा, वरना तो आप इस साइड का टोटल लगाते थे, यहाँ डिफरेंस आता था, आज इधर से जाके बच्चा कहता ये क्या हो गया, इधर टोटल लगाया 360, इधर बन रहा 340, फर्क कितने का आ गया, दिमाग प्रेजेंट रखना, अकाउंट कौन सा है, तो डेफिनेट लगाई होगी, डेफिनेट लगाई किस पे होगी, एसेट भी लगाई होगी, और तो कोई वर्ड नहीं आ सकता, कैश बैंक क्या आएगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो मतलब सर फिर डेफिनेट लगाई होगी तो चीज बेची भी होगी, नेवर बी, समटाइम आप कोई पार्ट क्या कर देते हैं डिस्कार्ड, जिसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्कार्डेड, वेस्ट, तो सारा सारा कहां कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, 20 का 20 वो चीज है। तो अगर यहां 20 आया होगा तो सर ये मशीनरी अकाउंट की भी कहां जाएगा, करेक्ट साइड। तो ये खास पॉइंट था यार की का पेपर में, वैसे नीचे दिया हुआ है, बताता हूँ कहां पे जी एसेट ज्यादा, मतलब हाँ ज्यादा दी हुई है, मतलब ज्यादा दी मतलब कैसे, पहली बात तो फिर ये देखो ना, इसने देखो ये तो बोली फिक्स एसेट रहा ना, तभी तो अगर ऐसा कुछ हुआ फिर पर्टिकुलर बोल के जाएगा ना, अभी आप डेप्शन बना रहे हो, ये आपको किसको पता है डेप्शन कौन से अकाउंट है, सबको ठीक है ना, ये तो मतलब मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग जो भी आप कह रहे हो, अगर अलग आया तो अलग बोल के जाएगा। पर पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में देखना, ये 20,000 की एंट्री अलग से शोन है, पता नहीं फंड फ्लो में है, आपको दिखाता हूँ, वरना दिक्कत क्या थी इस बारे में कोई जिक्र होता नहीं, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में, शायद आया है क्वेश्चन में, ये देख ये रहा, ये रहा हमारे टाइम पेपर में क्वेश्चन आया था, ये पॉइंट ही नहीं था क्वेश्चन, तो आपको सुपना भी नहीं आएगा, अब तो आधे बच्चे यहां से गेस कर लें, पढ़ो क्या, अब भूल जाओ मेरा पॉइंट कि क्या कराया था, अपने पॉइंट पे आ जाओ, डिसाइड टू राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपको डिविजन डेबिशन लगाओगे मशीनरी की क्रेडिट साइड और जाओगे डेबिट साइड, फर्क ही नहीं आएगा, फर्क ही नहीं आएगा। पर दिक्कत क्या है, जो हमारे टाइम पेपर में आया था ये कर देते हैं बीकॉम वाले, पॉइंट ही उड़ा दिया, अब बच्चा जो क्वेश्चन करेगा वो मैच नहीं कर रहा, वो एक बार तो शॉर्ट में आ जाएगा, डिफरेंस इधर निकलता है, 90 क्वेश्चन कर दिए मान लो, क्वेश्चन का डिफरेंस इधर निकलता है, वो अपने आप चेक कर जाएगा, मैंने तो बैलेंस गलत मतलब लिख दिए, अगर इधर बैलेंस आ भी गया घबराइए नहीं, उसको एक ही वर्ड लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स, उधर से जाते हैं वहां, कई बार आ जाता है ऐसा पॉइंट, हम चलते भी हैं कई बार ऐसा क्वेश्चन देखते, तो खास बात, ज्यादा टेक्निकल जाऊंगा तो और भी पॉइंट है मन में, तो अभी इतना ही बहुत है जो बुक में है, उतना ही बोलना चाहूंगा ज्यादा। रिडीम करें डिवेंचर 105 पे, वापस जाइए मुझे डिवेंचर बताइए, तुम डिवेंचर बताइए, डिवेंचर 3 लाख से 2 लाख, 1 लाख रिडीम करे, 1 लाख वाले कितने रिडीम करे, 105 पे, तो मतलब जाते हुए कितने पैसे दिए, 1,05,000, 1,05,000 दिए फ्रांसिंग, आउटफ्लो कितने एक्स्ट्रा दिए, 5,000 रुपए, आपने पहले उसको क्या किया होगा ऑपरेटिंग में, लेस किया होगा, आज क्या करोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बोल के नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, सोल्ड सम ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट व्हिच क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, अब ऊपर गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए बात है, 1/10 से कितनी हुई 90, तो कितने की बिकी 20, और बिकी भी 20 प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट डाल दिया, तो कितने की बिकी होंगी, 40 योर सेल, 40 योर सेल यार, खेगा इन्वेस्टिंग में 40 आपकी सेल है इन्वेस्टिंग में, चेक कराते हैं बस आसा रुक के, ये कहाँ बनाया हुआ है इन्वेस्टिंग इसने, ये रहा सही है दोनों चीज, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आइए, मतलब पॉइंट जितने भी हो पर आप ध्यान से पढ़ेंगे हो जाएगा, मैं पहले लास्ट पढ़ रहा हूँ, उससे पहले ये जो मेरा स्टार है पॉइंट आ गया, जो मैं कह रहा था वो 10% लेस वाला आ गया, और क्वेश्चन वैसे ही स्टार बन गया, इसमें डेप्शन का पॉइंट भी अच्छा आ गया, सेल प्रोसेस भी आ गया, प्रीमियम रिडेम्पशन भी हो गया, प्रपोज भी है, और लास्ट पॉइंट प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड प्रपोज पिछले साल का इस साल पे करो, आपकी कहने की जरूरत नहीं, ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब पढ़ भाई आ जाओ, वेट कर रहे थे इसके,
इसका फंड फ्लो में अलग ट्रीटमेंट था, मैं उसकी अलग से बात करूंगा पहले, ये पॉइंट क्वेश्चन तो वही होते हैं सर। इसका फंड फ्लो में अलग ट्रीटमेंट था, फंड फ्लो ऑपरेशंस में, और कैश फ्लो में अलग ट्रीटमेंट है। पढ़ो, डिसाइड टू वैल्यू ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट विच वॉज वैल्यूड प्रीवियसली एट कॉस्ट लेस 10 फिट। आपने हमने सोचा इस पर क्लोजिंग स्टॉक को या अपने स्टॉक को किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे। मैं पर क्या करें, पिछले वाला तो हमने कम पे दिखाया हुआ, कोई नहीं ज्यादा कर देते हैं। और कितना दिखाया हुआ ओपनिंग अकॉर्डिंग टू बिक्स, कितना दिखाया हुआ है 63। तो 63 को जो मैं ग्रॉस अप करने लगूंगा 90/100 करके, बिल्कुल सही फिगर ही ऐसे देगा जान के, 90,000, 72 कुछ ऐसे होंगे फिगर्स। तो ये कितना बन जाएगा यूश, 70,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना करेक्टली रिकॉर्डेड, ठीक हो गया करेक्टली, आप ऊपर गए। ये था आपका क्लोजिंग स्टॉक जो मैं आपको कह रहा था, कहाँ पे है इधर, मतलब ये चाहूंगा इस 270 वाले को, इस 270 वाले को, इसमें स्टॉक मुझे क्या करना पड़ेगा, एड बैक। तो इसी को मैं कितना मार लूंगा अपनी बुक्स में, 277। पहला पॉइंट देखिए, स्टॉक बढ़ जाएगा। दूसरा प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। फंड फ्लो में इसका लग था, फंड फ्लो में इसने वर्किंग कैपिटल चेंज भी नहीं किया था, इसको लेकर था ये एडजस्टेड पीएनएल में, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट को इंक्रीज किया था इस पॉइंट से, बाय ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू। इस पॉइंट से ट्रीटमेंट एक ही था, चेक कराता हूँ, बाकी सारे पॉइंट ठीक है। इसको चेक कराना था एक तो ये देखो पीएनएल में इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट आपने कम दिखाए होंगे, उसको प्रॉफिट ही करो, प्रॉफिट में गए वापिस आ जाओ। प्रॉफिट कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, इसको 1:10 मत मानो, इसको कितना मान लो 1:17। क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का कम दिखाया होगा तो उसके साल के प्रॉफिट भी कम आए होंगे, इसको ठीक करो। तो 1:17 से कितना दिखाओ जल्दी बोलो, 1:40 कितने हुए, 23। 23 जी, तो चेंज इन प्रॉफिट जब करोगे, ये रहा डन। और नीचे आके अपना क्या था, मैंने क्या किया था जल्दी बोलना, 277 से कितना 410, ये करके देखो कितना रहे। समझ आया, दोबारा से डबल तो है ही है, कहाँ कहाँ इफेक्ट आया भाई देखिए, चलो ध्यान से देखिए। दो पॉइंट है यार बच्चा, दो पॉइंट हम बोलते हैं, एक ये अंडर वैल्यू वाला, एक वो वेंडर वाला। वेंडर वाले में उसने जो पैसा दिखाया था स्टॉक का, हम वेंडर वाला कहाँ दिखाते हैं सुन लो, हम वेंडर वाला कहाँ दिखाते हैं, हम दिखाते हैं स्टॉक के अंदर ऐड करके। वहां नहीं दिखाओगे तो कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग, मैं इसको समरी बना दूंगा यहाँ पे, आप लिख लो चाहे लिख लो। वेंडर स्टॉक एक ये पॉइंट है, एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, बस क्रक्स बन जाएगा आपका पेपर में, फॉलो कर लेना। वेंडर स्टॉक है और अंडर वैल्यू स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो मान लो कैश फ्लो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, फंड फ्लो। तो ये करक्स आपके काम आएगा पेपर में, ठीक है। अगर तो वेंडर वाला स्टॉक है, वेंडर वाला वो 10,000 वाला स्टॉक, ठीक है। कैश फ्लो में आपने कहाँ कहाँ किया था उसको भी तैयार होंगे। कैश फ्लो में आपने इसको ऑपरेटिंग में जाके क्या किया था, एड ऑपरेटिंग में, मतलब अब मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अब मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, बात खत्म हुई। कैश फ्लो में वेंडर वाला पॉइंट, वेंडर वाला उसमें क्या था, शेयर दिए स्टॉक लिया, शेयर दिए, शेयर देना काम नहीं आया, स्टॉक आया, स्टॉक करंट एसेट है, ऑपरेटिंग में ऐड किया था, किसमें जाके, आपके नॉन कैश एंड कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग। अब मैं बिल्कुल आपकी बुक के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अपना मैंने मेथड छेड़ दिया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कहा था ना बैलेंस शीट में ऐड कर दो फिर छोड़ो, आपकी अकॉर्डिंग चलते हैं, देन हो गया। यही वेंडर वाला अगर फंड फ्लो में पूछते हो तो ये जाएगा जी सोर्सेस ऑफ इनकम, अगर आपको याद हो, डेबिट साइड इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर स्टॉक, सिंगल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट हो गया डन। अगर आप कहते हो अंडर वैल्यू वाला, ठीक हो गया, अभी कर रहे थे आप कैश फ्लो, इसमें एक तो जाएगा जी ये ऊपर ऑपरेटिंग एनपी चेंज, समझोगे बड़ों को, एनपी चेंज मतलब एनपी में एडजस्टमेंट, प्लस दूसरी एडजस्टमेंट किसके अंदर करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कौन सा था, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपने क्या किया था वो आप जानते ही हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलूं या क्या बोलूं आप देख रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक में पहले क्या कर दिया था, एड देन कंपेयर, ओपनिंग स्टॉक में ऐड किया देन कंपेयर, तो ये याद रखना। इधर फंड फ्लो में एक तो आप गए एडजस्टेड पी एंडल, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, एडजस्टेड पी एंडल की कहां पे, क्रेडिट साइड, बाय वही लिखकर अपना ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू,
पीएनएल में एप्लीकेशन तो खर्चा होता है, पीएनएल में प्रॉफिट इंक्रीज नहीं करेंगे, वही चीज है यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहे हैं आप, यहाँ तो प्रॉफिट इंक्रीज ही करा, चेंज हो गया। अगर ओवरवैल्यू हाँ वो देखना पड़ेगा पेपर में पॉइंट ऐसा आया नहीं, वैसे तो मैं चीखता हूँ पॉइंट ये भी हो जाता है, थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, फिर दोनों को ठीक करना पड़ता है, फिर दोनों का ट्रीटमेंट अलग लेना पड़ता है, पर कंसेप्चुअली रहेंगे तो सेट बैठ जाएगा, पर ओवर वैल्यू उल्टा कर देना यार, एडजस्टेड पीएनएल की डेबिट साइड सिंपल, स्टॉक में वही माइनस करना पड़ जाएगा, और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ आया था बताया था, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये चीज थी। हाँ जी ये तो ये दो पॉइंट्स हैं एक्चुअली, दोनों मिक्स ना करना, मैं नहीं मानता दोनों इकट्ठे आ जाएंगे कि वेंडर भी आ जाए और अंडर वैल्यू भी आ जाए, फिर तो थोड़ा हो जाता है कंफ्यूज, बट ये चीज याद रखना कि अंडर वैल्यू अलग चीज है, वेंडर अलग चीज है, बुक में चीजें दी हुई हैं तो आपके काफी काम आएगी ये चीज, पर ये अंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग में फिर बोल दूं, ये अंडर वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, या तो डाउट तो आइए, डन हो गए सारे पॉइंट्स हो गए क्या इस चैप्टर के क्वेश्चन के। हाँ अब इसके बाद अगला मेरे पास आ जाता है, चलते जाइए कौन सा आ गया होगा 41, फटाफट देखिए इसमें भी आपको नई चीज लगी, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नया वर्ड आ गया, किसमें ला दिया आपने, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे जाता है लास्ट में प्रॉफिट कैपिटल जब में, एसपीआर पढ़ा है पहले था नहीं, कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, एसपीआर प्रणाम सिंह भाई, प्रणाम सिंह वही तो सुना आपने, सरप्लस से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जनरल जब वैसे ही आ जाएगा, 60 का 60 ही है, 60 का 60 ही है, नो चेंज, हाँ सरप्लस जरूर आएगा 45 से 110 65, हाँ तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा मेरा 65 से, एसपीआर प्रणाम सिंह कैपिटल जब करना नहीं, जनरल है नहीं, और डिवेंचर का रेट दिया हुआ तो क्या देखेंगे, इंटरेस्ट देख लेना, टैक्स का क्या दिया हुआ है, प्रोविजन वही डराने के लिए क्वेश्चन जा दिया होता है, आ जाओ लैंड बिल्डिंग क्यूमुलेटिव डेप्रेशन इसकी है, इसकी मिक्स ना करना, लिखा भी हुआ किस पे, प्लांट मशीनरी, नॉन करंट एसेट में शेयर्स हैं, हमें क्या लेना कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट है कुछ भी करो, शेयर लो डिवेंचर लो कुछ भी लो, इन्वेंट्री टीआर कैश है, कैश 67 से 98 31, 67 से 98 31, तो 31,000 फर्स्ट लीज में आंसर, पेपर में ये तो क्लियर हो हमें, कहीं नहीं आएगा तो जुगाड़ करके वो 31 तो निकाल के आएंगे, कहीं में प्लस माइनस करना क्या ठा ठा करके कुछ तो करना, वहाँ की 31 आना चाहिए, मैंने पूछे क्या दिक्कत होगी, बस 31 लेना है, ये कैसे आएगा देख, 31 बैठ जा, तो इसमें इसके काटा 45, डीवीन एयर प्लांट कॉस्टिंग 40 कितने का बेचा, 15, जिसपे डेफिशन कितनी लगी 20, तो 40 पे 20 लगे, 20 वाला बिका 15, 5 का लॉस और अकाउंट बनेगा, कारण ओपनिंग क्लोजिंग है, ठीक, लॉस ऑन सेल प्लांट मशीनरी चार्ज टू एसपीएल, वही तो जाते हैं सारे, गलती तभी तो हुई, बचा कहता यार ठीक तो नहीं कर दिया, नहीं वो गलती क्या, आप लॉस को ले जाते हैं जनरल रिजर्व, मैं फिर सोच लेता उसके थ्रू आता, लॉस को लेस कर देते कैपिटल रिजर्व, मैं फिर आपकी बात मान लेता, पर उसको कहां ले गया वो, अब नहीं इस लाइन का मीनिंग कुछ नहीं, अगर मैं इसको ना भी लिखूं तब भी आंसर क्या था, कोई बिना कहे हर बंदा लॉस को कहां लेके जाता है, एसपीएल, तभी तो प्रॉब्लम खड़ी हुई, लॉस इज अ नॉन ऑपरेटिंग, अभी ऊपर कह रहे हैं आप लोग स्टार्टिंग में शुरू का लेक्चर में हमने, तो इसको हमने पक्का लेस किया होगा, तो आज क्या करेंगे, एड बैक टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट बन जाएगा, डिवेंचर पार्शली रिडीम्ड कर दिए, वो कुछ नहीं बताया, एट पार भी करें होंगे, सिंपल चीज है, कोई प्रीमियम नहीं बताया, ठीक है, डिविडेंड ऑफ 45,000 पेड ड्यूरिंग द ऊपर ही तो है, मिक्स कर दो, दो दो डिविडेंड आगे एक ही है, वो मजे लग रहा है, ठीक है, मुझे कुछ खास इसमें लगा नहीं, बाकी आप देखो एक बार आंसर में, सर इसमें प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का एक ही ट्रीटमेंट क्यों किया है, कौन सा जी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट करी हुई है, एक ही ट्रीटमेंट किया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो जगह पे किया था ना, कहाँ पे, फिर इसमें ऑलरेडी रजे कहाँ ट्रांसफर किया चेक करो ना, इसने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इसने फाइनेंसिंग में जाके दिखाया होगा वो चीज प्रीमियम वाला, ये रहा ये रहा, ये कह रहे हो आप, हाँ जी पिछले क्वेश्चन हाँ में भी कैपिटल रिजर्व में ही गया था, नहीं चेक करो पिछले में है ही नहीं, चेक करिए एक बार देख लीजिए आप लोग, इनका डाउट है कि जैसे पीछे आया था ना वो प्रीमियम पे 96,000 वाला, ये 4,000 का प्रॉफिट हुआ था वहां पे, हमने प्रॉफिट में ट्रांसफर किया था तो ऑपरेटिंग भी किया और फाइनेंसिंग भी किया, यहाँ ऑलरेडी जो प्रॉफिट हुआ ये देखो अच्छे पॉइंट था, ये पूछ लिया सर यहाँ तो पढ़ लिया डिवेंचर रिडीम हो गए, मैं वापिस गया क्वेश्चन पे, वापिस गया ये बैठे हैं डिवेंचर 2.5 से कितने हुए 2, सबको पता है 50 के, मैं बोल रहा था ना फेस वैल्यू पे रिडीम तो हुए, बट अभी तो आप कह रहे थे 1,000 रुपए का रिडम्पशन पे क्या हुआ,
प्रॉफिट मींस दैट आपने आउटफ्लो कितना किया होगा, जल्दी बोलो। 49 ये पॉइंट अच्छा था, स्टार कर सकते हैं इस पॉइंट के अंदर आप लोग, और तो बाकी ठीक था। 35,000 का एज सच ऑपरेटिंग में कोई सीन नहीं, चेक कर लीजिए कहीं दूर तक कोई सीन नहीं है, पर होता होता जरूर है, वहां से पर लाइन काट देते, वो लाइन काट दीजिए फिर आता, अगर वहां लिखा ना होता कैपिटल रिजर्व इंक्लूड्स द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, ये पॉइंट है ये कर लो भाई बॉक्स, सही रहा पेपर में बन सकती है बातचीत, अच्छा पॉइंट है ये ना, उस तरह की याद कर रहा है पॉइंट अभी करा नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वीजा, नीचे से पता चला प्रॉफिट हुआ था वो चीज है, या हमें ऐसे नहीं पता चला कि रिडम्पशन किस पे हुई, डिस्काउंट पे या किस पे, तो एक तरह का ये उसकी याद करा रहा है कि रिडम्पशन डिस्काउंट पे हुई, अगर बोल देता तो 50,000 का 2% कि 98% पे हुई, ये भी लैंग्वेज बन सकती थी, फिर डबल फैक्ट होता, 1,000 ऊपर भी जाता 49 आता। देखिए बाकी मुझे लगता है 31 आपका आंसर आ गया, 67 जोड़ के 99 आंसर। कोई अकाउंट वगैरह घर पे बनाएंगे तो बता देना, कोई नाम मिले करे पापा इसको मैच करवा देंगे आपकी हेल्प से। 42 मुझे ये क्वेश्चन है यार बड़ा अजीब है, अजीब इन द सेंस मतलब ये सोल ट्रेड का लिख लो, मुझे लगता नहीं आना चाहिए, ये सोल ट्रेडर का क्वेश्चन है, सोल प्रोप्राइटर, जैसे कल को मैं अपनी कैश फ्लो बनाऊ, मैं कंपनी की तो बनती देखी है, सोल ट्रेडर की कैसे बनती है देख लो, एक ही क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसी लगता है कि बार दिमाग घूम गया कैसी ऐसी ऐसी वैरायटी आ गई, डायरेक्ट मेथड तो मैं कहता नहीं, इनडायरेक्ट में भी ये नई चीज है थोड़ी सी, इसमें ना वर्ड आपको देखने को मिलेंगे ये वाले, कुमार ने कितने पैसे लगाए, ड्रॉइंग ड्रॉइंग्स, प्लस वन वाले वर्ड आगे ज्यादा मिलेंगे, अगर पढ़ लीजिए। कैश वही नॉर्मल है, आंसर वही है, सिस्टम वही है, कैश ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब कुछ वही है, ठीक है। पढ़िए डेटर स्टॉक आपके कहाँ जाएंगे, करंट एसेट, लैंड बिल्डिंग मशीनरी वही आपका इन्वेस्टिंग, कैश आपका आंसर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर इधर को है, 5 से 4 हुआ तो 1,000 रुपए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। करंट लाइबिलिटी में लोन फ्रॉम पहले दो करंट लाइबिलिटीज यही है शायद, हाँ जी कैपिटल दी हुई है, इसका अकाउंट बनेगा जी, इसका अकाउंट बनेगा नॉर्मल, बैंक लोन वही फ्रांसे जैसे आपका चलता है, लोन फ्रॉम इसी शोभा फ्रांसे नॉर्मल, ठीक है। नीचे है ड्यूरिंग द ईयर ब्रॉड एंड एडिशनल कैपिटल लेकर आया 10,000, तो कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे तो एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड बाय कैश एंट्री याद है, प्लस में कैश टू कैपिटल, हाँ उसने ड्रॉइंग्स करी कितने 31 की, कहाँ पे डेबिट साइड टू कैश ड्रॉइंग्स हो गया। प्रोविजन फॉर डेप्शन ऑन मशीनरी ओपनिंग एंड क्या दिया जल्दी बोलो, क्लोजिंग बताया था, अगर नीचे दिया हो, नीचे दिया हो तो किस पे बोल रहा है ये, मशीनरी पे, तो बताया था ये वैल्यूज कौन सी दी होती है नेट, तो इनमें ये वैल्यूज पहले क्या होंगी ऐड होंगी फिर अकाउंट बनेगा। आगे नीचे नो डेप्शन नीड टू प्रोवाइडेड फॉर अदर, और किसी भी डेप्शन नहीं ना लैंड पे ना एक मिनट जीवस, तो इसका अकाउंट देखो पहले आप, एक मिनट इसका कैपिटल अकाउंट देखो प्रॉफिट और की नोट्स में जल्दी प्लीज। हाँ जी देखा आपने कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का कितना जल्दी बोलो, 150, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 154, एक्चुअली कैपिटल अकाउंट से प्रॉफिट आए जहां से क्वेश्चन ने स्टार्ट करना है, वैसे ओरली आपको दिख रहा होगा 150 ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। और 10,000 हमने एडिशनल लगाई ओरली बोल रहा हूँ, वैसे कितनी हो गई 160 में से अगर सोचा जाए आपने 31,000 तो निकलवाई लिए, 160 में से अगर 31 निकाल दें 129, आज आप बोल रहे हो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है 154, तो कुछ कमाया ही होगा तभी जाके 154 पे गया, 325,000 है। हाँ तो मैं अगर कैपिटल अकाउंट दिखाऊं, मेन तो देखो बना सब कुछ रहा है, ये लैंड अकाउंट भी टाइम पास, देखो 30, 40, 10 रिडक्शन है ही नहीं, जरूरत ही नहीं, बिल्डिंग में जा कर रहा है 50 से 55, 5 आप भी समझती हैं, मशीनरी जरूर अपना बना सकते हैं, पर वही चीज आपको बताया था डेप्शन का बैलेंस जोड़ जोड़ के भी दिखाता हूँ, पहले पहले मेरा मोटिव ये है, ये वैरायटी नहीं है तो मुझे अच्छी लगी कि भी देख लो यार कि जो पेपर में सोल ट्रेड का आ जाए बच्चा डर जाए कि ड्राइंग, ये हमने कभी ड्राइंग सुना ही नहीं, तो कुछ नहीं, बीडी 150, सीडी 154, ड्राइंग 31, 10,000 पे कैपिटल, दिस इज माय क्वेश्चन स्टार्टिंग प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, डन है। अब मुझे बात कर लीजिए आप लोग एक और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, आइए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहां पे गया, ये रहा भाई मेरे प्लांट एंड मशीनरी बोल करना कितना है 70 और कितना दिया हुआ है 80 और डेप्शन का बैलेंस कितना दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है मैडम जी फिर ये डेप्शन का ट्रीटमेंट भी लेके चल रहा सोल ट्रेड वाले में, चेक करिए इन्होंने सीधे अकाउंट किस पे बना दिया, चेक करो, नहीं 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 लेके चल रहा 70-80 तो ये नहीं लेना। हाँ सिर्फ डेप्शन का चेंज देख लेना 30 से 40 हुआ कितना 10,000 परचेज आगे कितनी 20, तो स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को, बना किया था हमने क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले कंपनी में, पर यहाँ नहीं है, ये आपकी बुक का सोल ट्रेड का नहीं होगा, लिख लो सोल ट्रेड में इन दिस क्वेश्चन और इन सोल प्रोप्राइटर क्वेश्चन नो ट्रीटमेंट
ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओनली टेकन चेंज इन बैलेंस, ओनली टेकन चेंज इन बैलेंस एज अ डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा पेपर में लगे लगाई बात मिल जाएगी आपको नोट करके। कर दिया बोलो, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। 25 डेप्रिसिएशन आपने पर कितनी लगाई, एक ही तो थी, 10 क्वेश्चन बड़ा छोटा बनता है तो सोल्व करेगा तो वर्ड ही चार होते हैं। 35 इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम कम होती है बहुत, इसके बाद भी नहीं पांच पूछ में नहीं आता। हाँ पांच पूछ में तो वही आता, वो फ्लो फ्लो प्रॉफिट चेक करने वाला। एक ये कह रहा था मैं आपको क्वेश्चन यार रखा है, लेते हैं 5 मिनट आपके बस, यही मुझे लगता है ये आया हुआ है यार, खतरनाक है, खतरनाक भी क्या बड़ा बेकार सा लगता है मुझे देखने में, बस है कुछ नहीं बनाने में बिल्कुल दी है। आप बोलिए भाई क्या बोली यार, ये टेक्स्ट बुक्स के रेट 5% टैक्स फ्री बनी ऐसा कुछ क्या, और इसमें आई थिंक सो डिविडेंड का पॉइंट है, एक डिविडेंड पे टैक्स लगता है यहाँ क्वेश्चन में लगता है। हाँ है ये रहा, और ये टैक्स जो डिविडेंड पे लगेगा ये ऑलरेडी इनकम टैक्स में इंक्लूड होता है, जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ी रहे हैं तो अदर सोर्स में पढ़ते हैं ना, पहले पहले लगता था, पहले आज नहीं, आज के टाइम पे तो डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ क्या, शेयर होल्डर। पहले कंपनी पे करती थी डिविडेंड के ऊपर टैक्स, जिसको बोलते हैं डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, होता तो आपके ऊपर ही था बर्डन, वो सीडीटी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, उसका पॉइंट है इसके अंदर। लो पहले पर आप क्वेश्चन को पढ़िए 2 मिनट लेके, इतने में अगले पॉइंट तो बाद में देखूंगा, चलो फिर इसको करता हूँ। आज भाई पढ़ना दृष्टि, इसको करना रीड, अ कंपनी हिसाब से पढ़ेगी तो हो गई तैयारी, थोड़ा जल्दी जान जून लगा बैठ के, मैं इतना गला फाड़ रहा हूँ, जल्दी जल्द पर करना रेडी है। Which to implement its program of expansion on 31st March 2020 it had a balance of bank balance of 180 का from the following information prepare board of now board कहता जी आज उल्टा काम ही हो गया। ओपनिंग स्टार्ट किया 180 पॉजिटिव से जाते जाते 68750 क्या हो गए नेगेटिव, अब कुछ तो गड़बड़ हुई है, डबल हो गया ना मतलब, अब 160 180 प्लस 68 करेंगे मोटी मोटी 248 हाँ 248750 नेगेटिव हो गया, तो किस कारण हुए चेक करते हैं जी। आइए फिगर्स बैलेंस शीट क्या क्या था, ये है जी फिक्स एसेट्स स्टॉक एंड स्पेयर डेटर बैलेंस बैंक बैलेंस भी दिख रहा है आपको, वही देखो दिख रहा है यहाँ भी दिया हुआ है, ऊपर कहानी भी है नीचे भी है। हाँ ट्रेड क्रेडिटर शेयर कैपिटल बी आर घबराने की बात नहीं, वर्ड्स वही चाहेंगे, वर्किंग कैपिटल वाले वर्किंग कैपिटल, फाइनेंसिंग वाले फाइनेंसिंग, और इन्वेस्टिंग वाले इन्वेस्टिंग। नीचे गए प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च कौन सा दिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन कितना दिया हुआ है 240, ऊपर कहीं प्रॉफिट की बात हुई चेक करो, ऊपर कहीं प्रॉफिट की बात आई हो नहीं, ड्यू ने प्रॉफिट दे दिया 5000 शेयर इशू करे कंपनी ने 31 मार्च 2021 को, एडा प्रीमियम कितने पे 5 रुपए पर शेयर, तो मैंने पहले तो शेयर कैपिटल चेक कर मेरी 2.5 से कितनी हुई 3 लाख, और एक शेयर कितने का पर 10 रुपए का, तो बात कर सकते हैं मुझसे कि हाँ सर 5000 शेयर है इंटू 10 रुपए करके कितनी कैपिटल बढ़ गई 50000, हाँ बिल्कुल ठीक है सर 50000 ही बढ़ी, भले आपने प्रीमियम नहीं दिखाया ना तो आज प्रीमियम दिखाओ, 5000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना प्रीमियम आ गया जल्दी बोलो 25, और 25000 प्रीमियम आएगा तो ये भी कहाँ जाएगा फ्रांसिंग एसपीआर का पार्ट है। अगला पॉइंट 137500 पेड इन मार्च 2021 बाय वे ऑफ क्या इनकम टैक्स, तो फिर क्या दिक्कत है वही एड वही लेस वही एड वही लेस। डिविडेंड कहता क्या हाल चाल है 2020 फाइनल ऑन द कैपिटल 3020 पे देना है 10% देना है डिविडेंड 10% कितना बनता है 2.5 लाख का जल्दी बोलिएगा 25000 का 25% तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा जिसका दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो 25000 का 25% काटिए कितना बनता है 25000 का 25% आई थिंक सो 6250 कुछ ऐसा कुछ 6250 आपका बन गया टैक्स का अमाउंट, घबराइए नहीं माइनस करके क्या फिगर बची जल्दी बोलो 25000 माइनस 6250 नाउ दिस इज योर फाइनल डिविडेंड। पहली बात तो कारण कंपनी ठीक है 25 पे कर रही थी आधा टैक्स खा गया, पर पॉइंट ये मान के चलता है ये आता है डाउट ये टैक्स ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड है समझो बात को 137500 के अंदर, ये थोड़ा पॉइंट इसमें चलता है और कुछ खास नहीं। अगला 5% टैक्स फ्री है मगर उस पर कोई टैक्स नहीं आपको देना, और एक कौन सा है इंट्रीम, और इंट्रीम आप किस पे देते हैं जल्दी बोलो आप पूछ लेते जो क्लोजिंग पे 3 लाख का 5% 15, ये भी तेरा वैसे क्या बन गया कितना डिविडेंड्स, तो 2 डिविडेंड है भाई एक पे टैक्स लग गया कि नहीं, और जो टैक्स लग गया वो मान के चलते हैं इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड है, जब वहां इनकम टैक्स माइनस करने लगेगा बस एक काम कर दियो ऑपरेटिंग में जो तू माइनस करता है इनकम टैक्स 137500 माइनस नहीं होगा, आप कहोगे 137500 के अंदर 6250 किस चीज का टैक्स है डिविडेंड का, उसको कहां लेके चलो फाइनेंसिंग बाकी वहां रह जाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ, लो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करो एनपीबी 4 किससे जल्दी बोलो, यही था 240 एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तो क्या करेगा पहले ही तो बिफोर डेप्रिसिएशन दे रहा है सारा क्वेश्चन तो बिफोर है, कोई डिवेंचर है नहीं तो वही आ गया। वर्किंग कैपिटल चेंजेस आप देखो वो आपका काम है जल्दी बोलो
या मुझे बताओगे स्टॉक डेटर बीआर क्रेडिटर, क्या बताओ मुझे खुद देख के सर्टन हो जाओ। पेपर में आ रखा क्वेश्चन करा नहीं कभी, आज कर रहे पहली बार, कोई आ गया तो लगा लगा क्वेश्चन आपको, डरोगे नहीं सर और लिया जी 2:40 से स्टार्ट करो, सारे पॉइंट चार है वो करके मुझे यहाँ नेट आंसर बताओ, ये आ जाएगा देख लो आराम से, कुछ भी नहीं है यार नॉर्मल है। जन हो गया, अब ये आ गया टैक्स का चक्कर, वही बात आ गई। अब ये 137,500 में डिविडेंड को अलग से नहीं मान रहा, हम मान के चलते हैं सीएम में बढ़ाते हुए कि हाँ वो इसके अंदर इंक्लूड है, कई बार लिखा होता है इंक्लूडिंग टैक्स तो ही नहीं मान रहा, कोई नहीं माइनस करो नेट आंसर आ गया। डन इन्वेस्टिंग में चलो फिक्स एसेट में कोई हाल चाल ऑर्ली हो जाए देखना, फिक्स एसेट फिक्स एसेट बन गई बात, 7.5 से 11:20 ढाई 1:20 370 की आपकी महाराज की आ गई 25। फाइनेंसिंग में चल ये रहा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल एट पे प्रीमियम, याद आ गया कट्ठे 50 + 25, हाँ मतलब ऐसे कर दो 5,000 शेयर है इंटू 15 रुपए का शेयर बिका तो कितना आ गया 75। डिविडेंड कुछ याद आया 18,750 और 15, कौन सा 18,750 बना कैसे था, ये था वैसे तो डिविडेंड बनता था सर 25, उसका 25% क्या लग गया टैक्स लग गया, तो नेट कितना बना 18,750, दिखाया भी हुआ बंदे, देखो मैं रब कर दूं उसने दिखाया भी हुआ है। और इंटरिम किस पे था क्लोजिंग पे 3 लाख, वो टैक्स फ्री था 3 लाख का 5% 15 वो ये आ गया खत्म क्वेश्चन, बस 137 के अंदर ही कर दिया, वैसे बता रहा हूँ गलत है ऐसे था बिकॉज डीडीटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। फिर मैं क्या करता अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछते, मैं क्या करता सुनने वाली बात है पर पेपर में ना करना, अब आपके ऊपर मैं यहां से माइनस करता वो कम हो जाता फिर यहाँ के माइनस कर देता, बात तो एक ही थी आपने ऑपरेटिंग में माइनस कर दिया मैं फ्रांसिंग में करता, ऊपर इनकम टैक्स कम हो जाता क्योंकि डीडीटी इज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है नॉट द इनकम टैक्स पार्ट, ठीक है जैसे आपकी बुक कर रही है चलने दो, मैं अपनी बुक ने मान लिया कि जो टैक्स है 6250 ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है, तो यहां तक डाउट है पूछिए डिविडेंड ऊपर माइनस कर देता ऊपर की माइनस करेंगे उसमें से माइनस ही करते प्रॉफिट ना ना कुछ भी नहीं ओनर कुछ भी नहीं, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट क्या दिया हुआ नेट दिया हुआ है ये रहा, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट 137,500 ऑफ इनकम टैक्स पेड इंक्लूड्स क्या टीडीएस, किस पे जो फाइनल डिविडेंड पे दिया एंड इंटरिम पे मान के चल रहा है, पर मान तो लो अच्छी बात है बट वहीं पे थोड़ा माइनस होता है, पर ठीक है कर दिया। और पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड कैसे आया देखो 25,250,000 का 10% 25,000 टैक्स काट के 1,850 और इंटरिम टैक्स फ्री है तो कितना आ गया 15। अब याद रहेगा क्वेश्चन ये लगा लगाया क्वेश्चन है पेपर में आ गया, फ्री के मार्क्स हैं पर ध्यान से एक बार खुद देख जाना नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है ये रहा आपका अगला 44। मैं पॉइंट्स नहीं पढ़ रहा मुझे सारा ठीक लग रहा है देखने में, ये तेरा भाई कनफ जो तो पूछ रहा था अगर सर SPL साथ में आ जाए, पर मैं फिर कहूंगा अगर आप चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते पर देखना तो ये पड़ेगा, स्किप नहीं आप कर सकते कि मैं छोड़ ही दूंगा, तो देखना तो पड़ेगा बट टोटली इग्नोर नहीं कर पाओगे, जैसे कि मैं तुझे दिखाऊं मोटी मोटी बात, ये सेल है डन है जिसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्किंग नोट बना बनो के नेट, ये मेरा क्या आ गया जल्दी बोलना वर्किंग अपने करके, ये ग्रॉस इनकम आपके अकॉर्डिंग, पर यहां से तो स्टार्ट कर नहीं सकता बहुत ऊपर हो गया ये, क्यों सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड होते हैं माइनस करने, हाँ एक काम कर सकते हैं 5,35 माइनस करना 2,05,000, 5,35 माइनस 2,05,000 कितने आ जाएंगे ये 3,30 आ गया जी, कोई बच्चा चाहे तो 3,30 से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता है बच जाएगा, फिर उसको नीचे के जितने स्टेप्स हैं कुछ भी करने की ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, पर उसको अकाउंट में तो लेके जाओगे यहाँ तो नहीं करोगे स्टेप, एनपी सीधा लिख दो बिफोर डेप्शन बिफोर प्रीलिमिनरी बिफोर टैक्स, बट जब डेप्शन लगाओगे अकाउंट में तो जाओगे, हाँ प्रीलिमिनरी का कोई काम नहीं आएगा अगर नहीं करा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में तो जाएगा अगर जरूरत पड़ी, अभी करा नहीं वो 360 वाला वहां से, जर्नलिज्म कोई काम नहीं आएगा, डिविडेंड पेड काम आएगा हाँ फाइनेंसिंग, और नीचे आ जा रिटेन्ड अर्निंग जो तेरी पिछले पिछले वाली थी, अब ड्यूरिंग द ईयर क्या करा कंपनी परचेज द बिल्डिंग कितने की 1 लाख की, ये पर दूसरा आ गया डायरेक्टर कौन सा इनडायरेक्ट, अब मैं अभी कह रहा था ना ये तो चलो इससे बना रहा है छोड़ो, मैं इसका इनडायरेक्ट पार्ट दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन आप स्टार्ट ही कहाँ से करो दृष्टि 33, मतलब अगर SPL आ जाता है पेपर में घबराने की जरूरत नहीं होती, आप माइंड सेट रखिए कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर ये डर लगता है सुनो मेरी बात को दोबारा एक बार, अगर ये डर लगता है कि सर तो मुश्किल है अपने को तो ये समझ नहीं आता कहाँ से आप स्टार्ट कर लेते हो कौन सा छोड़ते हो, फिर भाई इसको छोड़ ही दे सीधा क्वेश्चन में चल, तेरे पास यहाँ बैठा है अपने पास तरह ये चुपचाप कुछ ना कर, फिर तू थोड़ा लेंदी जाएगा बट जाएगा कैसे कि यहाँ से आप 60 से 90 कितना लेगा 30, 80 से जनरल कितना लेगा बोल 20,000, यहाँ मेरे 5 वर्ड थे क्या क्या थे और डिविडेंड
दो डिविडेंड्स थे और टैक्स था। मैं नीचे डिविडेंड पढ़ने के लिए, तो मैं ये कह रहा था पढ़ने के लिए तो आपको यही आना पड़ेगा। ये डिविडेंड कितना जल्दी बोल, 1 लाख, और टैक्स कितना दिया हुआ यहाँ पे, ये है ना इधर इधर 1,40, 1,40 और कितना था वो, 1,40 और क्या था वो, 1 लाख। टोटल करो कितना हो गया, ये 2,90 ना। आपकी बुक ने जो स्टार्ट किया हुआ क्वेश्चन ये रहा, आपकी बुक ने जो स्टार्ट किया, बात तो वही है। मैंने फिर और बैक कर दिया, मैंने प्लेन यूनिट ऑफ डेप्शन भी माइनस ही नहीं करे, तो नेट आंसर मेरा कितना आ गया था, वो आपकी इच्छा पर मैं कहूंगा, और कोई मैं इसमें रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। डन है 45, फिर वही अब तो थोड़े सा मिक्सअप आ जाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पर आज का मेरा होमवर्क है आप डायरेक्ट खत्म कर दो, सॉरी इनडायरेक्ट खत्म कर दो, डायरेक्ट का एक क्वेश्चन कराना ही पड़ा तो मैं बता दूंगा, कारण क्योंकि ये खत्म हो गया ना, ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गए ना, तो फंड फ्लो खत्म हो गया। फंड फ्लो पे मुझे कोई ज्यादा टेंशन नहीं की जरूरत है। कल मैं सोच रहा हूँ आपको रिटर्न प्रैक्टिस ही कराऊंगा, मैं तीनों चारों चैप्टरों की मिला के, मान लो बीच में बैलेंस शीट या बीच में इंडेक्स नंबर, कल कराता हूँ एक बार 30 को प्रैक्टिस कर लेंगे बैठ के, कल करा देते हैं हमारे, करना तो है ही अपन ने, कल कर लिया 30 को कर लो। पर अगर ये आ गया फंड फ्लो हो जाएगा, आज आगे काम कर देने के सारे पॉइंट लर्न कर लो कि कौन कहाँ कहाँ जाता है, फिर मुझे फंड फ्लो में बच्चा बनाने आसान हो जाएंगे मेरे लिए, तो मैं कहीं टाइम वेस्ट करूंगा आपके ऊपर कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो दिख रही नहीं आपको, वो तो डब्बा बना के करंट एसेट करंट लायबिलिटी वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है ना, बाकी सारे यहाँ पे। बाकी उसको स्टार्ट आप जीरो से ही करेंगे फंड फ्लो में, वो बेसिक भी दिखाना पड़ेगा दोबारा से, फॉर्मेट देख लो भाई ये फॉर्मेट था, फंड फ्लो में ये जाता है, एडजस्टेड पी एंड एल में ये जाता है, ठीक है, वर्ड नेम मिल जाता है कई बार, वो चीज उसके क्वेश्चन है वैसे अपने आप में लगे। ये देखो मेरी पीडीएफ यहाँ पे खत्म हो जाती है जाके, मैंने अभी सारे क्वेश्चन स्कैन कर दिए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही बचे लास्ट में, तो फिर खत्म है आपके पास का थ्री आगे। तो मेरी तरफ से आज का टारगेट पूरा कंप्लीट है, कैश फ्लो हमारा टारगेट था, आप जाके आज इसको प्लीज अपने एंड पे और कंप्लीट कर दो। कोई क्वेश्चन कहीं से अनसोल्ड बना के देख लो इसके बैक से जाके, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन बना के देख लो खुद पूरा पूरा, दिक्कत आ सकती है आप पॉइंट बता सकते हैं, पेपर में तो निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं से आना है, ठीक है। कल का टारगेट रखते हैं फंड फ्लो, जीरो से समझते हैं, 2 घंटे लगाते हैं ऐसी, 12 से 2 का टाइम लेके बैठू, लगेंगे 2 घंटे फंड फ्लो पे अच्छे से। फिर आपके चारों चैप्टर कंपैरेटिव फंड फ्लो रेशियो कैश फ्लो 60 नंबर पक्के, इन्हीं 60 के आपको पता है 15 वहां मिलने हैं रेशियो का, ट्रेंड का और कैश फ्लो फंड फ्लो का 75 का होगा। 5 के लिए सोच रहे हैं थोड़ा सा वो है वो प्राइस इंडेक्स, वो भी 30 को करा दूंगा, वो भी 30 को लेके चलेंगे, ये चीज है, कोई डाउट है बताइए। डन है सर, रेशियोस की लास्ट वाली रेशियोस रहती हैं थोड़ी सी, रजिस्टर करवा दी थी लास्ट की, कौन सी थी, 2-3 रहती होंगी मुझे लगता है बस, तो आप आ जाना आपको करवा दूंगा, अदरवाइज मैं क्लास में तो कराना ही कराना है, कल बस फंड फ्लो रखूंगा बट एक बार, उससे आपके 4 न्यूमेरिकल तैयार हो जाते हैं फंड फ्लो करने के बाद ना, फ्री हो जाते हो मेरे एंड पे, 30 को भी आपके पास टाइम पड़ा है, 1 को भी दोपहर को है, 30 को आप रख लेंगे रेशियो के बड़े क्वेश्चन आपके वाले, और छोटे प्राइस इंडेक्स एक ही कंसेप्ट है मेरा बस, वो एक ही कंसेप्ट है बस। डाउट क्लासेस शाम को रख सकते हैं, जब मर्जी ले लो जी, एनी टाइम, बस पहले फोन करके आ जाना, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, ठीक है।